तुम देख्या बिन कल ना पड़त है और जानत मेरी छाती। मारो जन्म मरण को साथी, थाने नहीं बिसरूं दिन राती। अनेकों अनेक कष्ट ये भाव प्रवाह सा। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, आपने किसी ने बोलना नहीं, चींकी आवाज भी नहीं करनी। कोई आता है तो मिलना नहीं उसे, वरना मिलने वाला भी और जो मिलेगा वो भी यहाँ से बाहर जाएंगे। और जो कोई आप में से बोलेगा बोल वृंदावन बिहारी, मीरा के साथ उसे भेज देना साथ में, क्योंकि अभी मीरा चित्तौड़ में है और फिर मीरा जाएगी मेड़ता में, मेड़ता से फिर जाएंगे पुष्कर में और पुष्कर से फिर मीरा की यात्रा होगी श्रीधाम वृंदावन की ओर। फिर आज की यात्रा जो है वृंदावन की यात्रा है, मीरा के साथ वृंदावन में चलेंगे। यहाँ अनेक प्रकार के षड्यंत्र चलते रहे। कल आप चर्चा सुनी रहे थे कितना अधिक विषपान, कभी कैसे दुराचारिता, कभी कैसे दुराचारिता का सामना मीरा को करना पड़ता है। लेकिन एक नारी की नव चेतना के लिए मीरा खड़ी होती है, एक क्रांतिकारी के रूप में मीरा खड़ी होती है। किसी पर किसी प्रकार को कष्ट आता है, दुराचारिता कोई करता है तो मीरा सामना भी करती है, मीरा सामना भी करती है। अनेकों अनेकों दुख आने के बाद भी उतनी प्रीति श्याम सुंदर के चरणों में चलती चली गई। लेकिन कहीं पर भी मीरा का साहस कम नहीं हुआ, कहीं पर भी मीरा आपको शिथिल नजर नहीं आएगी। जितना अधिक दुख दर्द जीवन में बढ़ा, उतना अधिक प्रेम का महासागर भी भीतर से उमड़ता ही चला गया मीरा के अंतर में। मीरा के अंतर में उतना अधिक महासागर उमड़ता चला गया। ये ऐसा अलौकिक है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि भक्त को दुख दुख लगता ही नहीं है, उसे दुख में भी भगवान के महाप्रसाद का ही अनुभव होता है। जैसे आपके दुपट्टे पर कोई मिट्टी लगे तो आप झाड़ देते हैं, भक्त भी दुख को इसी प्रकार से झाड़ देता है। उसे उस दर्द में भी एक आनंद की परम अनुभूति होती है। दीवानों ने इस दुनिया में दर्द का नाम दवा रखा है। बहुत बहुत बड़ा एनर्जी लेवल है, जहां पर जो दुनिया की नजर है वो दुख देखती है, लेकिन भक्त को दुख का अनुभव नहीं हो रहा, उसे उसे प्रसाद का अनुभव हो रहा है। उसे लगता है कि ये गोविंद कर रहे हैं, मेरी उनकी कृपा है, इसलिए भक्त सहज कह देता है, बोले बोले प्रभु आप जो भी देंगे सब स्वीकार है, उसमें मुझे आनंद ही मिलता है। और भक्त केवल कहता नहीं, भक्त को वो बिल्कुल प्रैक्टिकली उस चीज का अनुभव होता है कि उसे उसमें प्रसाद की अनुभूति हो रही है, उसे एक दिव्यतम आनंद की अनुभूति हो रही है, भक्त प्रसन्न है। अब देखना भक्त की अवस्था कई बार आपको बहुत ज्यादा सामाजिक तौर पर बहुत अधिक प्रतिष्ठावान या बहुत अधिक वैभव वाला नहीं नजर आएगा। ऐसे ऐसे भक्त भी हैं कृष्ण के, बिल्कुल गरीब छोटी छोटी कुटिया में रहने वाले, जहां पर भी एक भक्त का भोजन भी कई बार उन्हें नहीं मिलता, लेकिन आनंद में। उनसे जाकर कोई पूछे बोले महाराज कोई कष्ट है, बोले कोई कष्ट नहीं है, बड़ा आनंद है, भगवान ने बढ़कर दिया है। क्योंकि भक्त के हृदय में धन्यवाद का भाव है, शिकायत का भाव नहीं है। भक्त आपको शिकायत करते नहीं पाएगा, जबकि हम लोग तो मंदिर में जाएंगे भगवान के सामने शिकायतें बड़ी रहती हैं। लेकिन भक्त जहां भक्ति का प्रकाश हुआ, जहां आपके हृदय में भक्ति का बीज परिणत हुआ, आपकी शिकायत चली जाएगी। और भगवान के प्रति नहीं, भक्त की किसी व्यक्ति के प्रति शिकायत नहीं है। आपने कल सुना विक्रम कितने कष्ट देता है मीरा को, लेकिन लेकिन जब भी वो सामने आते हैं तो मीरा के भीतर कोई किसी प्रकार की कोई दुर्भावना ही नहीं है, कोई शिकायत ही नहीं। सहज सबके लिए एक आनंद है, सहज सबके लिए एक आशीर्वाद मीरा के अंदर है। वो भगवान के सामने भी खड़ी है तो धन्यवाद देने के लिए, प्रभु इतनी भी औकात नहीं थी जितना आपने दे दिया। ऐसे मैंने पहले कहा भक्त आनंद में भी आंसू बहाता है, भक्त विरह में भी आंसू बहाता है, भक्त उस अभिपसा में भी आंसू बहाता है। हर स्थिति में भक्त के आंसू निकलते हैं, किस लिए? प्रभु जो दिया वो क्या कम था? औकात नहीं थी, दीनहीन था, किसी काबिल नहीं था, पर आपने कृपा करके सब प्रदान कर दिया। भक्त ये बात विचार करके भी आंसू बहाता है आनंद में, विरह में भी आंसू बहाता है, किस लिए? बोले प्रभु इतनी कृपा आप करते हैं, जो थोड़ी बहुत रह गई तो वो भी अभिपसा भी उसके पास है। माने जब इतना कुछ दे दिया तो जो शेष रहा वो भी दे दीजिए। लेकिन सामाजिक सुख की कामना भक्त के हृदय में नहीं है,
मीरा भगवान के सामने बैठती है तो भीतर में क्या है, एक एक धन्यवाद का भाव है, कोई शिकायत नहीं है। पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा। ये भक्त का भाव है, शुक्रिया धन्यवाद के भाव से वो खड़ा, शिकायत है ही नहीं। जबकि देखने पर लगेगा कि भक्त के जीवन में इतना कष्ट है, इतना कष्ट है, लेकिन वो आया सामने भगवान के एक एक प्रेयसी का बिछो प्रीतम से है। भक्त भक्त दिन रात पुकारता है भगवान को, दिन रात रोना, दिन रात दुख है, ना जाने कितनी प्रताड़नाएं, कितना कष्ट जीवन में भक्त के। फिर भक्त विचार करता है जिस दिन वो सामने आएंगे पूछूंगा एक बार भगवान से, हिसाब ले लूंगा इतना कष्ट जीवन में क्यों दिया। पर ऐसी सोचती है, प्रीतम को वर्षों बीत के बिछड़े हुए, मिलन नहीं हुआ, विचार करती है बोले जब प्रीतम सन्मुख आएंगे तो पूछूंगी क्यों इतना दुख दिया, क्यों इतना दर्द दिया, क्यों जीवन में इतना अंधकार था, क्यों पल पल मुझे तड़फाते रहे आप, क्यों एक एक पल को युग के समान मुझे व्यतीत करना पड़ा। वर्षों बीत गए प्रीतम के इंतजार में, प्रीतम नहीं आए। प्रेसी हर वक्त दुखी है, हर वक्त कल्पती है, हर वक्त दुनिया की दुराचारिता का सामना प्रेसी करती है, दिन रात कर रही है, दिन रात पीड़ा में विरह के आंसू बहा रही है, हर पल याद करती है प्रीतम को और विचार करती है जब वो सम्मुख आएंगे पूछूंगी हिसाब मांगूंगी इतना अंधकार जीवन में क्यों है, इतनी पीड़ा जीवन में क्यों थी, इतना अधिक दुख क्यों दिया। और फिर खबर लगी प्रेयसी को प्रीतम आ रहे हैं, और जब खबर लगी भी आने वाले हैं तो फिर एक एक पल और युग के समान बीतने लगा। जब खबर लगी फिर दिल का स्पंदन अधिक बढ़ने लगा, दिल की गति अधिक बढ़ने लगी, क्यों अब मिलने की इच्छा भी तीव्र हो गई और उसके साथ साथ हिसाब किताब की बात भी हो रही है, आएंगे तो पूछ लेंगे। इतने वर्ष बीत गए कभी याद नहीं आई, इतने वर्ष बीत गए किसी पल क्या सुख देने का अनुभव आपके मन में नहीं आया, इतनी पीड़ा क्यों थी मुझे, इतना अंधकार क्यों जीवन में था। और आप यकीन मानिए फिर वो पल आए जब प्रीतम सन्मुख आए, और जब प्रीतम सन्मुख आए प्रीतम के आने से पहले इतनी शिकायतें मन में है, ये पूछ लूंगी, ये पूछूंगी, ये पूछूंगी, और जब प्रीतम सन्मुख आए तो कुछ नहीं पूछा, बस आंसू बहाती रही, कुछ कहा ही नहीं। बोले अब क्यों नहीं कहा, बोले कारण था, बोले जब वो सन्मुख आए तो फिर क्या शिकायत करनी, ये समय कुछ पा लेने का, ये समय कुछ आनंद लेने का है, क्यों बेकार की बातों में प्रीतम के सन्मुख बैठकर वो शिकायत की जाए, ये तो आनंद का समय है। वो भूल गई सब कुछ, भूल गई बरसों की शिकायतें, अनंत जन्म बीत के प्रेयसी को बिछड़े हुए, लेकिन जब वो सन्मुख आए फिर एक भी शिकायत बाहर नहीं निकली, फिर तो एक ही बात हुआ, पाया तेरे दर तो मैं। भक्त के मन में भी शिकायत बहुत है, कई बार रहती है, पूछ लेंगे, लेकिन जब जैसे वो सन्मुख आता है शिकायत नहीं। विवेकानंद जी महाराज की जो आर्थिक अवस्था थी बड़ी बहुत कमजोर थी, कर्जा भी था, पिता की मृत्यु भी हो गई थी, घर में गरीबी भी बहुत ज्यादा थी, दुख बहुत था, कष्ट बहुत था, और नाम था नरेन। और ऐसी अवस्था में परम सदगुरु गुरुदेव का संग मिला, किसका, श्री रामकृष्ण परमहंस बाबा का। तो नरेन बड़े दुखी थे, बाबा पूछते हैं बोले बेटे तू इतना दुखी क्यों है नरेन, अपनी सारी अवस्था गुरुदेव के सन्मुख खोल देते थे। तो बोले अगर इतना कष्ट है तो ऐसा कर, जा भीतर माँ बैठी है, माँ से जाकर कह दे, जाकर कह दे मांग ले जो मांगना है वो दे देगी तुझे। इतनी बात कही तो नरेन भीतर आए, मां के सन्मुख आए, मां को पुकारा तो साक्षात मां काली का प्रकट हो गई। गुरुदेव ने कहा था मांग लेना जब मां आएगी, और सन्मुख मां खड़ी है। नरेन बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए, कुछ मांगा नहीं, बस दर्शन किया, मां को मिले, वापिस आ गए। गुरुदेव ने पूछा नरेन मांगा, मां आई थी, बोले हाँ गुरुदेव मां का दर्शन हुआ। बोले कह दिया अपना मन दुख, कह दिया मांग लिया, बोले नहीं गुरुदेव वो तो नहीं। अरे मूर्ख मांगा क्यों नहीं, फिर जा मांग जाकर, फिर भेजा दूसरी बार, फिर मां सन्मुख आई और मां को देखा, फिर रोते रहे, रोते रहे, कभी रोए कभी मुस्कुराए, फिर कुछ नहीं मांगा, फिर बाहर आए, गुरुदेव ने फिर पूछा, बोले नरेन मांगा, बोले नहीं गुरुदेव। अरे मांगता क्यों नहीं, भीतर जा, तीसरी बार भेजा,
जाकर माँ आएगी, कुछ मांग लेना। माँ के सन्मुख आए, माँ प्रकट हुई, नरेन रोते रहे, मुस्कुराते रहे, उसी अवस्था में बाहर आ गए। गुरुदेव ने कहा, नरेन मांगा नहीं। गुरुदेव रो पड़े, बोले मांगता क्यों नहीं। बोले गुरुदेव, जब वो सन्मुख आती है कुछ याद ही नहीं रहता, जब वो सामने होती है, जब माँ इतना अनंत प्रकाश मेरे सन्मुख आता है, इतना आनंद का महासागर मेरे सामने उमड़ता है, तो फिर कुछ याद नहीं रहता, अपना दुख दुख लगता ही नहीं है। वो उस दुख को याद करूं या फिर उस आनंद का, उस महासागर का परम आनंद की अनुभूति करूं। बड़े प्रसन्न हुए गुरुदेव, बोले नरेन परीक्षा थी तेरी, अगर आज तू मांग लेता माँ से तो फिर मैं तेरा प्रत्याग कर देता, क्योंकि जो मिल रहा है वो इतना आनंद में है, पर ऐसी को प्रीतम का दर्शन हुआ तो भूल गई शिकायत। इतना दुख मीना को मिलता, इतना कष्ट मिलता, इतने लांछन लगते, इतना सब कुछ होता, फिर मीना क्या करती, गिरधर के सन्मुख आती और जैसे गिरधर को देखती वो दुख दुख रहता ही नहीं। यही इनके दर्शन का महाप्रताप है, ध्यान दीजिएगा। लाखों जगत की शिकायत होंगी, किसी के प्रति होगी, लेकिन जैसे ही इनका चेहरा सन्मुख आएगा, इनको देखोगे तो मीरा की तरह मस्त हो जाओगे, फिर शिकायत रहेगी नहीं। बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। लेकिन ये अवस्था बहुत ऊपर है, बड़ी श्रेष्ठ अवस्था। चलते रहिए, चलते चलते एक अवस्था आपकी आएगी। आप अपनी कसौटी खुद देखना, अपनी इवैल्यूएशन खुद करके देखना। आपके भीतर भक्ति का प्रकाश हो रहा है। आप आज छठा दिन है, मीरा जी का भाव सुनते सुनते आप अनुभव कीजिए, क्या मीरा का भाव सुनते सुनते कहीं मन में वो प्रकाश, मन के अंदर वो उत्साह, संसार की शिकायत सब छूट गई। अनुभव कीजिए। अब इकट्ठे बैठते हो तो मन करता है, नहीं थोड़ी कृष्ण चर्चा करें, ऐसा नहीं सुबह की तरह चलो आओ चलिए गप्पा मार ली थोड़ी देर। इसका अर्थ है कि अभी भाव उतरा नहीं, बीज का रोपण अभी हुआ नहीं। नहीं, चल चलें थोड़ी कृष्ण चर्चा करें, चल आप बैठे इकट्ठे इकट्ठे बैठकर थोड़ा सा प्रभु की बात कर लें, थोड़ा भजन कर लें, कहलवाना ना पड़े कि भजन करो, मन करे सहज करे मीरा की तरह। बैठी संतों के संग, मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो के मगन, वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी, ऐसे लागे लगन। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, कष्ट नहीं है भीतर, इतने इतने दुख आपको बाहर से लगेगा। आपको बाहर से लगेगा मीरा बड़ा दुखी है, इतना कष्ट, इतनी दुराचारिता, इतना अपने सत्यत्व की रक्षा करना, ये करना, वो करना, इतने षड्यंत्र मीरा के इर्द गिर्द चल रहे हैं। कितनी बार चंपा ने कहा, कितनी बार चमेली ने कहा, केसर कहती है, मंगला कहती है, बोले भाई साहब क्या रखा है चित्तौड़ में, चल दीजिए। मीरा क्या कहती, बोले क्यों क्यों जाऊं, किस बात की पक्का प्रमाण है यहां से निकलेंगे तो वहां कष्ट नहीं आएगा, वहां दुख नहीं आएगा, कहीं उड़ जाएंगी, इस बात का क्या प्रमाण है। बोले यहां बैठी है, गिरधर संघ में है, वो प्रभु रक्षा करने वाले, आवश्यकता नहीं जाने की। बार बार समझाती, आप इतनी भोली हैं, कभी किसी के प्रति आपके मन में दुर्भावना नहीं आती है, फिर क्यों ये चित्तौड़वासी, क्यों विक्रम बार बार आपके षड्यंत्र रचता है, क्यों बार बार मारने का प्रयत्न किया जाता है और फिर भी आप यही रहना चाहती हैं। बोले चली जाऊंगी, कोई संत निर्देश दे पहले, बिन संत की आज्ञा के, बिन संत के निर्देश के मीरा नहीं चलती।
मैंने पहले कहा मीरा के जीवन में सात संतों का ये जो संग है बड़ा महत्वपूर्ण है, संत के निर्देश के बिना नहीं। ध्यान दीजिए, इशारा एक, जीवन में ऐसे कुछ परिस्थितियां आ जाएं तो लोग अक्सर संसार वालों से विचार विमर्श करते नहीं, किसी संत से। और हर किसी को भी संत समझने की भूल मत कर लेना, केवल वस्त्र देखकर ही आकर्षित मत हो जाना। वस्त्र बड़े सुंदर हैं हमारे, केवल वस्त्रों को देखकर आकर्षित हो जाओगे तो फिर भूल हो जाएगी। और आवश्यक नहीं कि संत आपको वस्त्रों में ही मिलेगा। साधु का अर्थ है जो सीधा है वो साधु है। केवल वस्त्र नहीं देखना, निजता कुछ देखना, कुछ गहराई देखना। और बहुत जल्दबाजी, आजकल जैसे लोग जल्दबाजी बहुत दिख करते हैं, जल्दबाजी मत करना ज्यादा, थोड़ा ठहर जाना, थोड़ा रुकना, थोड़ा सा सबर करना और फिर चलना यात्रा पर। क्योंकि ये कोई संतों की शरण में जाना एक तो खेल नहीं है, और दूसरी बात ये कोई कुछ समय की बात तो नहीं है, ये तो जन्म जन्म का संग है। मीरा गा रही है ना, मारो जन्म मरण को साथी। ये रिश्ता तो गोविंद एक जन्म का नहीं है, अनंत जन्मों का रिश्ता है। संत के साथ भी हमारी आत्मा का रिश्ता है, और एक बार का नहीं, अनंत अनंत युग युगांतरों का रिश्ता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा ठहर जाना, थोड़ा संभल जाना। जैसे आप लोग दर्शन करने भी जाते हैं ना वृंदावन में, एक बात समझ लीजिएगा, जल्दी मत करना। लोगों को ज्यादातर जल्दी रहती है, बोले फटाफट चलो बिहारी जी का दर्शन करो, बिहारी जी का दर्शन हुआ नहीं, जल्दी चलो राधा वल्लभ जी का दर्शन करना है, राधा रमन जी जा, निधि बन जाने से लोग घूमते ही जा रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा आपको। थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा रुकिए, थोड़ा ठहरिए। बिहारी जी के सामने आए, रुक जाओ बस, जी भर कर देख लो, देख ही मत लो, जी भर के पी लो थोड़ा सा, खूब रस पी लो उनका, उस स्वरूप का, उसका आनंद एक बार ले लो। जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी से कुछ नहीं मिलेगा, जहां है वहीं रुक जाइए। हमारे रसिकों ने तो ये भी कहा, रसिकों ने ये भी नहीं कहा कि मंदिर में जाओ, वो तो ये भी नहीं कह रहे, वो तो एक ही बात कह रहे हैं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, कहीं बैठ जाइए जाकर, बस वृंदावन में प्रवेश करना ही बहुत है। ये सलीका है, ये सलीका है। वरना क्षमा कीजिएगा, आजकल देखने में आता है ना, लोग जाते हैं ट्रिप लेकर, तीर्थ स्थान ट्रिप के लिए नहीं है, घूमने के लिए नहीं होता, वो दर्शन करने के लिए है, वो अनुभव करने के लिए है। और संतों के संग जाओ तो आनंद पता लगेगा क्या है, वहां जाकर बैठ जाओ, जल्दी नहीं करनी बस। ये नहीं कि दो दिन के लिए गए हैं और दो दिन में खूब घूम लो, गोकुल का एक एक मंदिर चले जाओ, मथुरा चले जाओ, ये चले जाओ, बरसाना घूम लो, नंदगांव जाओ, कोई जगह रह ना जाए, हर गली में मंदिर है, घूम लो फटाफट फटाफट, नहीं, बस बस ये बात समझ लेना, ठहर जाना थोड़ा सा, थोड़ा रुक जाना, कहीं पर जाके रुक जाना। सीधा सीधा निर्देश दिया, बैठी रहूं कुंजन के कोने और श्याम राधिका गाऊं किशोरी तेरे, चलते रहे थोड़ा सा, चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे, जब मैं गुनगुनाऊं तब जरूर गुनगुनाया करो, किशोरी तेरे किशोरी तेरे, मेरे लाडो तेरे चरण, कहीं बैठ जाइए, लेकिन थोड़ा सा विश्राम करना, किसी स्थली पर जाकर थोड़ा रुकना। जल्दी जल्दी करोगे तो प्राप्त नहीं होगा। जो धन वृंदावन देना चाहता है, रसिकों ने यूं ही नहीं गाया, अब मैं वृंदावन धन पायो, अब मैं वृंदावन। हमारे हरिराम व्यास जी महाराज 52 राजाओं के गुरु थे, इतनी बड़ी संपदा उनके पास, और जब वृंदावन आए, हरिवंश महाप्रभु का संग मिला, तो ऐसी मस्ती वृंदावन की आई, अब वृंदावन से बाहर नहीं जाते। तो मधुकर शाह जी महाराज का मन हुआ, बोले गुरुदेव जब से गए हैं तब तक राजसत्ता में मन भी नहीं लगता, बहुत प्रयत्न किए गुरुदेव को वापस ले आऊं,
लेकिन जिसका मन एक बार वृंदावन में रम गया, फिर उसका मन कहीं और नहीं रम सकता, मन ही नहीं करता। तो मधुकर शाह का मन था कि मैं जैसे तैसे गुरुदेव को ले आऊं। बहुत प्रयत्न किए, ब्राह्मणों को भेजा, बहुत अधिक विनती की, लेकिन हरिराम व्यास नहीं आते। तो फिर एक युक्ति सूझी मधुकर शाह को, बोले हरिराम व्यास जी अपने गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। अगर मैं अपने गुरुदेव की बजाय उनके गुरुदेव को जाकर कहूं कि इन्हें आज्ञा दो वृंदावन से जाने की, माने हित हरिवंश महाप्रभु को जाकर प्रार्थना करूं कि आप हरिराम व्यास जी को वापस भेज दीजिए, फिर वो आज्ञा करेंगे, तो हरिराम व्यास जी महाराज मना नहीं कर पाएंगे कि गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन सनातन संस्कृति नहीं करते। लेकिन ये बात उससे पहले पहले हरिराम व्यास जी के कानों में आ गई कि मधुकर शाह क्या युक्ति कर रहे हैं, वो जाकर मेरे गुरुदेव को कहेंगे कि मुझे वृंदावन से भेज दिया जाए। अब इससे पहले कि मधुकर शाह पहुंचे वहां पर, हरिराम व्यास जी क्या करते हैं, एक बार इन्हें पहले ही मना कर दो। हरिराम व्यास जी क्या करते हैं, खबर लगी उन्हें कि मधुकर शाह जी आ रहे हैं और मेरे गुरुदेव को जाकर कहेंगे वृंदावन से बाहर भेजने की, तो उससे पहले हरिराम व्यास जी ने क्या किया, मुख काला किया और एक गधे पर सवार होकर वृंदावन में चलने लगे। सबके लिए तमाशा, बोले ये सब क्या हो रहा है, आज गुरुदेव ये क्यों कर रहे हैं, गधे पर सवार होकर मुख काला करके आप क्यों घूम रहे हैं। और पता लगा गुरुदेव को, हरिवंश महाप्रभु को, महाप्रभु दौड़े दौड़े आए, बोले हरिराम व्यास जी आप ये क्या करते हैं। बोले गुरुदेव वृंदावन में एक बार मन बसने के बाद यहाँ से बाहर जाने का अर्थ यही है, उसकी यही दुर्दशा होती है, आपने चरणों में स्थान दे दिया है, वृंदावन का वास दे दिया है, अब यहाँ से बाहर। और जैसे सुना हरिवंश महाप्रभु के नेत्र भर आए, बोले कोई आपको नहीं कहेगा यहाँ से बाहर जाने के लिए, आप वृंदावन में वास कीजिए, वृंदावन का परम सुख है। अब मैं वृंदावन धन आयो, लेकिन करोगे क्या वृंदावन जाके, राधा चरण शरण मन दीजो। किशोरी, क्योंकि वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी जी हैं, यहाँ उन्हीं का राज चलता है, ठाकुर जी का नहीं। जबरस खान आए और ढूंढा श्याम सुंदर को, तो बोले कहाँ मिले, बोले प्रत्येक कुंजन में घुमा कहीं नहीं मिले, और अंत में गोविंद कहाँ प्राप्त हो रहे हैं रस खान जी को। बोले सेवा कुंज में जब आए तो क्या देखा, पलोटत राधिका पायन, श्री किशोरी जी के चरण दबा रहे हैं। जो अनंत अनंत कोटि का ब्रह्मांड का राजा धीराज है, जो कहीं मिला नहीं, वेद जिसके बारे में, शास्त्र जिसके बारे में कह कहकर नेति नेति शांत हो जाते हैं, वो कहां बैठा है, वो त्रिलोकीनाथ सेवा कुंज में श्री किशोरी जी के चरण दबा रहे हैं। बोले ये धन है, राधा चरणी शरण मन दीजो, मोहन लाल रिझायो, अब मैं वृंदावन धन पायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। इसलिए थोड़ा ठहरना, मेरा विश्राम में मेरा ठहरी हुई है, भटक नहीं रही, लोग भटक जाते हैं, थोड़ा सा कष्ट आया, डामाडोल हो रहे हैं। मीरा का भाव क्यों सुनिए, अनेकों अनेक कारण है, मीरा का भाव सुनेंगे आपकी आर्थिक, आपके सामाजिक, आपके प्रत्येक प्रकार की अवस्था में सुधार हो जाएगा, आपका आंतरिक मन सबल हो जाएगा, आपका संसार छूट जाएगा, छोड़ेंगे नहीं, छूटने लगेगा, साहस देगी मीरा आपको दुखों से लड़ने का। और अगर आप सुखी हैं, आपके पास सब कुछ है, तो फिर आपके जीवन के उस विकास को मीरा लेकर चलेगी भक्ति के पथ पर। मीरा का भाव वो है, मीरा का भाव सुनते सुनते कृष्ण प्यारे लगने लगेंगे, वो अनंत महासागर जो उमड़ता है उठता है भीतर से, उस महासागर की एक बूंद भी आपके चित्त वृत्ति में चली जाती है तो जीवन सुधर जाएगा, मात्र एक बूंद भी। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, मात्र एक बूंद काफी है, एक बूंद मिली और कल्याण हुआ, एक बूंद मिली और संतों की सज्जे में बस इतना ही कमाल है,
कभी कभी बस आप चलिए, कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं है, आप केवल भक्त के करीब जाकर बैठ जाइए, संत की चरण शरण चले जाइए, वो कमाल अपने आप हो जाएगा, आपको करना कुछ नहीं है। रसिकों ने यही कहा कि बैठी रही कुंजन के कोने और श्याम राधिका गाऊं, किसी कुंजन के कोने में जाकर बैठ जाइए, कुछ मत करो, कोई प्रयास नहीं करना, केवल बैठ जाएंगे, बैठने मात्र से कृपा हो जाएगी, किशोरी जी अपने आप कृपा कर देंगे। लेकिन थोड़ा ठहरिए, जल्दबाजी मत करना, घूमने की जल्दी मत करना, भले कहीं भी किसी मंदिर में दर्शन नहीं करने के कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके वृंदावन की रज का सेवन कीजिए। आज भी जाइए रमन रेती में, कितने लोग आपको मिलेंगे, रेत में लोटपोट होते हुए, नंगे पग चलते भक्त मिलेंगे, हाथ में माली झोला लिए परिक्रमा कर रहे हैं, वृंदावन की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, हरेक के मुख पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सभी उच्चारण कर रहे हैं। किसी ढंग से ऐसे करते रहिए, दर्शन करते रहिए, चलते रहिए, उसमें अपना एक आनंद है प्रदक्षिणा में। सोयो तो विषे मंदिर में हित गुरु टेर जगायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। मीरा मीरा सहज कह देती है, बोले चंपा जब तक कोई संत निर्देश ना दे मैं नहीं जाऊंगी, मुझे दुखों से डर नहीं लगता, और ये दुख मुझे डरा भी नहीं सकते, निर्भय है मेरा, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जानी कोई, गगन मंडल पर सेज पिया की और किस विधि मिलना हुए, बस इतनी चाहना है, इतनी अभिलाषा है, कोई और कामना नहीं है, इनसे मिलने की, प्रीतम से मिलने की। और जैसे जैसे जीवन का दुख बढ़ता चला गया और ललक बढ़ती चली गई प्रभु को मिलने की, कितने कष्ट मीरा को और मिले, कितने षड्यंत्र और हुए, अधिक चर्चा में नहीं करना चाहता ज्यादा, लेकिन एक बार मेड़ता आगमन होने के बाद मीरा एक क्रांतिकारी रूप भी मीरा का है। जब कहते मेड़ता थोड़े दिनों के लिए मीरा गई थी, वापस आई, तो वापस आने के बाद रास्ते में कुछ आदिवासी नगरी थी, लोग थे वहां पर, मीरा ने देखा कि कुछ सैनिक उन्हें बहुत कष्ट दे रहे हैं, वार्षिक कर वो दे नहीं पाए, वो वार्षिक कर के बदले में लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, बोले क्षमा कर दीजिए महाराज, अगली बार ले लीजिएगा, फसल का नुकसान हो गया, ये दुख बहुत है जीवन के अंदर, हम कर नहीं दे सकते, हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। मीरा रुकती है, मीरा देखती है, मीरा देखती है सब क्या हो रहा है, और वो जो कुछ घुड़सवार आए थे, कुछ सैनिक आए थे, वो जबरदस्ती कर रहे थे, बोले अगर आप नहीं दे सकते कर तो अपनी महिलाओं को हमारे कब्जे में कर दो, अपने बच्चों को हमारे कब्जे में करो, जबरदस्ती महिलाओं को खींचा जा रहा है, महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। और मीरा ने जब ये दृश्य देखा तो मीरा से सहन नहीं हुआ, क्योंकि मीरा भक्त है, मीरा सहज है, मीरा का मन बड़ा भोला है, बड़ी कोमलता है, लेकिन चंडिका भी है, फिर तलवार निकालकर खड़ी हो गई मीरा, उसी नारियों के मध्य में वो तलवार लेकर, मीरा ने सबको सीखा है। और ध्यान दीजिएगा, भक्त भक्त में शराफत है, लेकिन शराफत कमजोर नहीं होती, बड़ी बलवान होती है, बड़ी ताकत है भक्त के अंदर। भक्त संत है तो फिर समय आने पर सिपाही भी बन जाता है, साधु गेरुए वस्त्र में रहता है, साधु साधु जन कल्याण की बात करता है, लेकिन जब आन हो धर्म की, जब आन हो जन समुदाय को दुख देने की, कोई सन्मुख खड़ा हो तो वो साधु फिर अस्त्र शस्त्र भी धारण कर लेता है। राम सन्यासी रहे लेकिन अस्त्र शस्त्र धारण कर लिए, समय युद्ध का आया तो कृष्ण सुदर्शन भी धारण कर लेते हैं, अन्यथा आवश्यकता नहीं है, वो प्रेम की बांसुरी ही बजाएंगे, लेकिन जब बड़े बड़े दुराचारी सन्मुख सन्मुख आ जाएं तो भगवान फिर गीता का वचन निभाएंगे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। आऊंगा, बार बार आऊंगा, जब जब दुराचारी भी दुराचारिता करेंगे तो मुझे युद्ध में उतरना पड़ेगा। श्री कृष्ण बड़े कोमल हैं, आप देखो ये गुलाब कितना कोमल है, इससे भी बहुत अधिक कोमल श्री कृष्ण की देह है, लेकिन जब युद्ध में खड़े होते हैं तब यही देह वज्र की हो जाती है। मीरा कोमल है, बिल्कुल कोमल है, हृदय उससे भी अधिक कोमल है। आप देखो भगवान कितने कोमल है, कितने कोमल प्रभु के चरण, कितने कोमल, इसका अनुभव कीजिए आप। कमल कितना कोमल होता है, कितना कोमल, और उस कोमल कमल के ऊपर लक्ष्मी जी विराजमान होती हैं, तो लक्ष्मी जी अधिक कोमल हो गई। लक्ष्मी जी कोमल है तो लक्ष्मी जी के हाथ भी बड़े कोमल हैं,
और उन्हीं कोमल हाथों से जब भगवती लक्ष्मी क्षीर सागर में श्री नारायण के चरण दबाती हैं तो रो पड़ती हैं। किस लिए? बोले प्रभु आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं मेरे हाथों के स्पर्श करने से आपको पीड़ा तो नहीं होती। आप विचार करो, कमल इतना कोमल, कमल पर बैठी लक्ष्मी कोमल, लक्ष्मी जी के हाथ इतने कोमल, और फिर वो प्रभु के चरण दबाते रो पड़ते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान के चरण कितने कोमल हैं। जब चरण इतने कोमल हैं तो भगवान की देह भी कितनी कोमल है। लेकिन कब कोमल है? जब भक्तों के सम्मुख है, जब प्रेमियों के सम्मुख है। लेकिन जैसे युद्ध क्षेत्र में भगवान कूदे तो यही देह वज्र की हो गई, फिर कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वही स्थिति भक्त की भी है। भक्त बहुत कोमल है, किसी को कुछ नहीं कहता। लोग दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, भक्त को पीड़ा नहीं। भक्त आशीर्वाद ही दे रहा है, संत आशीर्वाद ही दे रहा है। संत के मुख से आप किसी की दुर्भावना नहीं सुनेंगे, किसी के लिए श्राप नहीं सुनेंगे, किसी के लिए कोई दुख की ऐसी बात नहीं सुनेंगे। संत आनंद में है, और भले लाख कष्ट संत को दिए जाए, संत आशीर्वाद ही दे रहा है। मीरा का हृदय कोमल। लेकिन जब दूसरे भक्त पर आन पड़ती है, किसी को दुख मिलता है, तो संत फिर अस्त्र भी उठा लेता है। मीरा का हृदय कितना कोमल। लेकिन जैसे मीरा ने देखा कि ये भोले भाले गरीब जन समुदाय आदिवासी लोग, इनके ऊपर घुड़सवार ये सैनिक अत्याचार कर रहे हैं। देखो बोलो नहीं, जो आए हैं वो आराम से जहां सीट मिलती है वहां बैठ जाइए। बोले श्री वृंदावन बिहारी आनंद कंद भगवान की। और जब देखा आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, सरेआम शोषण किया जा रहा है, ये कुछ सैनिक इकट्ठे होकर, और सैनिक गिनती में कितने थे? मात्र 5-7, और आदिवासी कबीला कम से कम भी सैकड़ों लोग खड़े थे, पुरुष भी थे, महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे। और ये सैनिक घुड़सवार आकर अत्याचार कर रहे हैं, महिलाओं का शोषण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, बालों से खींच रहे हैं। बोले तुम कर नहीं दे सकते, अपनी महिला दे दो। मीरा ने सुना, अंदर का आवेश जागृत हो गया, अंदर का दुर्गा रूप जागृत हो गया। उठाई नंगी तलवार और सन्मुख आई, बोले हाथ लगाकर दिखाइए। और जिसने एक भी महिला की ओर बुरी दृष्टि से देखा, मेरी तलवार और आपका सर होगा। तो रण में कूदने का साहस मीरा रखती है। यही नहीं कि दुख आया और गिड़गिड़ा रही है, रो रही है, क्या करूं, असहाय। असहाय नहीं है मीरा, शक्तिशाली है मीरा। ब्राह्मणों ने, ज्योतिषियों ने ऐलान कर दिया था, ये भक्तिमती है, परम मनस्वी, परम यशस्वनी है, लेकिन वीरांगना है, लेकिन परम बलशाली भी है, समर्थवान है। सब कुछ इसके भीतर है, एक नवचेतना है, नारी की चेतना को जागृत करने की पूर्ण समर्थता मीरा में है। हाथ में नंगी खड़ग लेकर खड़ी है। बोले साहस है तो आइए सामने, और जो सन्मुख आएगा उसका सर होगा और मीरा की तलवार होगी। और जितने 5-7 घुड़सवार थे थर थर कांप रहे मीरा का ये रूप देखकर। आज तक देखा नहीं था, चंपा चमेली केसर पास में रहती है, बोले कमाल है, ये वही मीरा भाई साहब, क्या अद्भुत शोर है मीरा का। बिना सन्मुख खड़ी है खड़ग लेकर, बोले हाथ लगाइए। संबोधन किया मीरा ने पूरे आदिवासी कबीले को, बोले एक बात बताइए, ये गिनती में कितने हैं? बोले मात्र 5-7। आप गिनती में कितने हो? बोले सैकड़ों हैं। क्या आप मिलकर मुकाबला नहीं कर सकते? क्या आप में साहस नहीं है? अगर आप इनके सामने कमजोर पड़ते जाएंगे तो ये कल आपको दबाते चले जाएंगे। आप ये बताइए आपने कितना कर लेना है? बोले 700 रुपया कर है। मीरा ने अपने आभूषण और जितने पास में चंपा चमेली को आज्ञा दी, जो जो आपके पास सब उतार दीजिए, वो दे दिए। मीरा ने एक प्रश्न पूछा, ये बताइए आप किस शासक के हैं, किसके सैनिक हैं आप? और बताया किसके सैनिक हैं? विक्रमजीत राणा के। बड़ा दुख हुआ मीरा को, हमारी राजसत्ता में यह सब हो रहा है। जहां के शासक महाराणा सांगा थे, भोजराज थे, अपने ऊपर दुख सहने के बाद भी प्रजा को दुखी नहीं करते थे, और ये लोग विक्रमजीत प्रजा को भी दुख दे रहा है। महिलाओं का शोषण, बच्चों पर अत्याचार, पुरुषों पर अत्याचार, वो कर देकर, धन देकर भेज दिया। और फिर जन जन को संबोधन मीरा ने किया, बोले अगर यूं कमजोर बने रहोगे तो ये लोग बार बार आएंगे, आपको त्रासना देंगे, आपकी महिलाओं को तंग करेंगे, क्या अपनी निगाह से देख पाओगे? ये थोड़ी क्रांति भीतर जागृत करो। और मीरा ने जन समुदाय के भीतर क्रांति छेड़ दी। सती प्रथा का विरोध मीरा ने किया। मैंने कल बताया था सती प्रथा वास्तव में क्या है, रूप बिगड़ता गया। जैसे दाज प्रथा
प्रारंभिक तो कुछ और था, माता पिता कुछ उपहार दिया करते थे जैसे समर्थता थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों के मन में लालच बढ़ता चला गया और आपके सामने आज उसका बिगड़ा रूप सामने है। इसी प्रकार से सती प्रथा विकृत होती चली गई। कहीं भी भारत की संस्कृति में महिलाओं को जलाया नहीं जाता था, एक प्रथा थी, बड़ी शुद्ध प्रथा थी। किस लिए थी? ताकि वो महिला अपने आप को भगवान के समर्पित करके फिर समस्त ग्रामवासी उसकी सेवा करेंगे। ऐसी महिला को जिसने अपने आप को समर्पित किया उसे सती का दर्जा दिया जाए। सती माने माँ। सती कौन है? महादेव कौन है? जगदीश्वर है, भुवनेश्वर है। तो सती कौन है? जगत जननी है। तो जो सती हो गई वो समस्त संसार की जननी हो गई, माने वो सबकी माँ हो गई। अब उसको सभी माँ के दृष्टि से देखेंगे, उसका आदर करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। ये सती प्रथा का नियम था। समय बदला, रूप बिगड़ता चला गया। दाज प्रथा समय के साथ विकृत होती चली गई, कुरूप होती चली गई। लेकिन मीरा ने जन जन में जागृति पैदा की। केवल यहां तक मत सीमित रहिए कि मीरा आंसू बहाती रही, दुख आते रहे, सहते रहे। नहीं, कुछ और रूप भी है। महिला में जागृति करने का, उनके अंदर चेतना जागृत करने का, जन समुदाय में बुराई को खत्म करने का एक रूप भी मीरा का है। आवश्यकता पड़ने पर रण में कूद पड़ती है, रण में कूद पड़ती है। मेड़ता गई है मीरा। जयमल छोटा भाई, बड़ा प्रेम है मीरा का उससे, सहज प्रेम है जयमल का भी। तो जयमल ने कहा, वाइसा दीक्षा दीजिए। जयमल बड़ा वीर है और मीरा जी ने दीक्षा भी दी। और देखो जयमल के जो इष्ट हैं वो रघुनाथ जी हैं। मीरा का मन कहाँ रमा हुआ है? कृष्ण में। और जयमल को किस नाम की दीक्षा दी है? राम नाम की दीक्षा, रघुनाथ जी के नाम की, क्योंकि जयमल का मन रघुनाथ जी में है। बस मीरा का आशीर्वाद मिला और जयमल भक्ति में डूब गया, पूरा भक्ति में। माया तेरे दर तो मैं, इसलिए उनके सामने जब जाइए तो धन्यवाद के भाव से जाइए। कोडियां दा मुल नहीं सी, हीरियां दा पै गया, जदों दा मैं दाता तेरे चरणां च बह गया, जदों दा मैं दाता तेरे चरणा च बह गया। क्यों ना दाता तेरे तो मैं, क्यों ना दाता तेरे तो मैं, तन मन बारा शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजार। पाया तेरे दर तो मैं, रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजार, शुक्र गुजारा तेरा, दर दर रुल देसी किसे ना संभालिया, दर दर रुल देसी किसे ना संभालिया, मेहरबान साहिब मेरा चरणा चला लिया, मेहरबान साहिब मेरा चरणा चला लिया, गुण होन गौंदियाँ ने, गुण होन गौंदियाँ ने, दिल दिया तारा शुक्र गुजारा तेरा। पाया तेरे दर तो मैं, रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाया तेरे दर तो मैं, हजारा शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। देखो प्रश्न है,
कि कथा सुनते समय माला नहीं फेर पाते, क्यों? यदि माला फेर दे तो कथा छूट जाती है, ऐसा क्यों? देखो मैं एक बात आपको बता दूं, जो मेरी धारणा है, संसार का भी कोई काम करना होता है तो एक बार में एक ही होता है, मन एक बार में एक ही तरफ होता है। आप माला भी कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, पॉसिबिलिटी कम है। दोनों अवस्थाओं में आपको बताता हूं। पहली बात, मन एक ही तरफ रखो, मन एक तरफ रखो, वरना ये होगा, कभी मन माला पर जाएगा तो फिर कथा छूट जाएगी। हो सकता है कि आप माला फिरते रह रहे हो, बाद में पता लगे कथा में आनंद नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि मन कभी माला पर था, कभी कथा में था, इसलिए फर्क पड़ गया। इसलिए अक्सर मैं अब नहीं बोलता हूं व्यासपीठ से, लेकिन पहले मना कर दिया करता था कि कथा में बैठकर आप माला का जाप ना कीजिए, पर अब कल आजकल नहीं बोलता, क्योंकि आजकल मैं बहुत साऊ हो गया। नहीं नहीं अच्छा, दूसरी बात, अब एक बात और सुन लो, अब इससे ऊपर की अवस्था। हाँ, माला का जाप जब आप 24 घंटे कर रहे हैं, करते 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 एक अवस्था आपकी आ गई, अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत गहराई में आपके नाम चल रहा है, और उस वक्त उस स्थिति में जाकर आप सुन भी रहे हैं, सुनते भी जा रहे हैं, भीतर कहीं गहराई में वो श्वास पर चल भी रहा है, तो हो सकता है उस लेवल पर जाकर वो चीज चलती हो, लेकिन जब तक वो लेवल नहीं आया तब तक गड़बड़ होती रहेगी, तालमेल ठीक बैठेगा नहीं। क्योंकि या मन माला पर जाएगा या मन कथा में जाएगा। अच्छा, मेरी राय यही है, आप कथा सुनो तो मन कथा में ही लगाओ, बस कहीं और मत लगाओ, उसी पर लगाओ तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसा होता है कई बार। मैं भी सोचता हूं कि जो कथा के साथ साथ माला कर रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जिसको मैंने देखा है, वो कैसे कर लेते हैं, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है कि वो माला भी कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, मुझसे नहीं होता। कई बार मैंने कोशिश की करने की, नहीं हो रहा, या तो वो लेवल ही अभी तक नहीं हुआ, जब वो लेवल आ जाएगा तो दोनों पॉसिबिलिटी हो जाएगी। जबकि पहले मैं स्ट्रिक्टली मना कर देता था कि आपने ये नहीं करना, तो फिर कई बार लोग ऑब्जेक्शन कर लेते थे कई स्थानों पर, आप लोग तो बहुत अच्छे हो, नहीं करते हो, चलो, लेकिन कई स्थान पर ऑब्जेक्शन कर लेते थे, महाराज जी मना कर देते हैं, क्यों करते हैं, बोले छोड़ो, अगर नहीं मानी आपकी मर्जी, माननी तो आपकी मर्जी। पर मेरी धारणा तो यही है, क्योंकि जब हरिराम व्यास जी भी गए, ध्यान दीजिएगा, जहाँ तक मत मेरा है, हरिराम व्यास जब गए, आप ध्यान दीजिएगा, भटक रहे थे, और इतना ज्ञान था हरिराम व्यास जी महाराज को, इतना अधिक ज्ञान था, वो आप लगाओ 52 सत्ता के राजाओं के गुरु हैं, तो कुछ खास बात तो है ही हरिराम व्यास जी महाराज में, कुछ खास तो है ही, लेकिन फिर भी मन भटका हुआ है, और इतना अधिक शास्त्रार्थ किया कि हर जगह लोगों को हरा दिया। आपका भी भक्तमाल में पढ़ना हरिराम व्यास जी का, सब लोगों को हरा दिया, कहीं भी चले जाते थे बोले शास्त्रार्थ कीजिए मुझसे। अब तो लोग नाम से डरने लगे थे, लोग पहले कह देते जी महाराज पत्र लिखकर दे देते हैं, हमने अपनी हार स्वीकार कर ली, आप जीते हम हारे। कहते एक बार काशी में गए, काशी विश्वनाथ का दर्शन किया, और जैसे जैसे देखो बिना भक्ति के ज्ञान बढ़ता है तो मन का अहंकार भी बढ़ जाता है। जब आप बहुत विद्वान हो जाते हैं, ये अकेला धन आपके जीवन में आया, भक्ति नहीं आई, आप अहंकारी हो जाएंगे। आपके बहुत एजुकेशन आ गई, बहुत पढ़े लिखे आप हो गए, भक्ति नहीं आई, आप अहंकारी हो जाएंगे। 100% चांस है आपके अहंकारी होने का, अगर भक्ति साथ में नहीं है, क्योंकि भक्ति ही झुकाती है, भक्ति भी नम्र करती है। बिन भक्ति के जो भी चीज आपके पास अधिक आएगी, उस चीज को लेकर आपके मन मद पक्का हो जाएगा, आप अहंकारी हो जाएंगे। तो नेचुरली हरिराम व्यास जी को भी अहम तो हो ही गया था, बोले कोई भी नहीं है, दिग्विजय हो गए, हर किसी को हरा दिया, जहां जाए लोग तो कांपने लगे, महाराज हम नहीं मुकाबला कर पाएंगे आपका, शास्त्रार्थ नहीं कर पाएंगे, आप जीते हम हारे। फिर पहुंचे काशी में, जबकि आप विचार करो इतना ज्ञान, इतनी किताबें पढ़ी हरिराम व्यास जी ने, इतने राजाओं के गुरु, लेकिन अभी भी मन अशांत है। अभी भी ऐसा लगता है हरिराम जी को कई बार कि जिसकी खोज के लिए चला हूं वो मिल नहीं रहा, तृप्ति नहीं हो पा रही मेरे मन को, अभी भी क्यों लग रहा है मुझे कुछ चाहिए, अभी भी क्यों होड़ भीतर लगी हुई है, इतने सबको हराने के बाद भी कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, धन ऐश्वर्य मेरे पास है, सबका गुरु हूं मैं, राजाओं का गुरु हूं मैं, सब मेरे, मैं सबका स्वामी, सबका मालिक हूं, फिर भी मन अतृप्त क्यों है मेरा, क्यों अतृप्त है?
तो काशी पहुंचे तो कहते अब महा अब देखो भक्त है तो प्रभु साथ देंगे और काबिल व्यक्ति हो अधिकारी व्यक्ति हो तो महादेव एक ब्राह्मण के रूप में आए, भोलेनाथ एक ब्राह्मण के रूप में आए। जब काशी विश्वनाथ का दर्शन करके चलने लगे थे तो महादेव ब्राह्मण रूप में आए तो महादेव ने प्रणाम किया, बोले आप हरिराम व्यास जी हैं? बोले हाँ। बोले महाराज आपके बारे में बहुत सुना मैंने, दिग्विजय हैं आप, बहुत ज्ञान है आपको, मेरा एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। बोले पूछिए। अब थोड़ा अहंकार आया तो बोले पूछिए क्या पूछना है। बोले बस मुझे ये बताइए जीवन भर हम विद्या हासिल करते हैं तो उस विद्या का फल क्या है? तो हरिराम जी ने झट से जवाब दिया, बोले उस विद्या का फल है विवेक, विवेक बुद्धि प्राप्त होना। उसी वक्त महादेव बने ब्राह्मण ने दूसरा प्रश्न किया, आपको विवेक आ गया? बस यही तो कमी थी, निरुत्तर हो गए, बस इतना पूछ के ब्राह्मण चले गए और काम हो गया। हरिराम व्यास जी का मन में स्ट्राइक किया, क्रांति आई, बोले यही तो मिला नहीं, यही ठोर तो मिली नहीं, यही तृप्त तो मुझे मिली नहीं, अभी भी मन भटक रहा है, जीतने के बाद भी अभी मन ना जाने किस ओर जा रहा है, क्या करूं, किसकी शरण में जाऊं। फिर खबर मिली वृंदावन में जाइए, वहां के संत है हरिहितवंश महाप्रभु, उनके जाके चरणों में जाइए। फिर और देखो जो वृंदावन में आए मदन टेर पर, परिक्रमा मार्ग पर जाते हैं कौन से आप, तो पीछे मदन टेर आता है जहां पर सबसे पहले हरिवंश महाप्रभु रुके थे। तो हरिवंश महाप्रभु के पास आए, उस वक्त में मदन टेर के साथ ही यमुना जी बहती थी। हरिराम व्यास जी महाराज हरिवंश महाप्रभु से मिलने के लिए आए तो आप विचार करेंगे कैसे आए? पांच बैलगाड़ियों में अपनी किताबें भरकर आए, इतनी किताबें पढ़ी थी, पूरी पांच बैलगाड़ियां किताबों से लदी भरी हैं, वो लेकर आए। तो जब आए तो सेवक सामने थे तो बोले महाप्रभु का दर्शन करना है। बोले महाप्रभु अभी तो ठाकुर जी की रसोई बना रहे हैं, तो बोले आप उनको संदेश दे दीजिए कि मुझे बहुत जरूरी मिलना है। तो सेवक भीतर गया, बोले कोई आए हैं हरिराम व्यास जी? तो वो कहते आपका दर्शन करना है। बोले उन्हें कहिए थोड़ी देर रुकिए, मैं ठाकुर जी की सेवा करूँ, मैं ठाकुर जी की रसोई बना लूँ। वो बाहर आया कहने के लिए तो हरिराम व्यास जी ने कहा नहीं महाप्रभु से विनती कर दो, रुका नहीं जा रहा, अब तक आ गया हूं, अब सबर नहीं होना, अभी दर्शन दे दो। जाकर कहा तो हरिवंश महाप्रभु ने कहा ठीक है, उन्हें ले आइए भीतर, रसोई में बुला लिया। रसोई में आए तो हरिवंश महाप्रभु ने पूछा, तो बोले आप कुछ देर प्रतीक्षा नहीं कर सकते? बोले नहीं अब नहीं हो रही, प्रश्न लेकर आए। बोले क्या? बोले मैंने इतनी किताबें पढ़ी, दिखाया वो देखिए बाहर ये पांच बैलगाड़ियां, जीवन भर मैंने किताबें पढ़ी हैं, बहुत कुछ बड़ा, तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। बोले क्या? बोले किसी किताब को पढ़ता हूं तो वो कहती है कि भगवान ऊपर रहता है, कोई कहती नीचे रहता है, किसी को पढ़ा वो कहती निराकार है, और कोई कह रही है साकार है, कोई कहती निर्गुण है, कोई कहती सगुण है, कोई कहती अंदर देखो, कोई कहती बाहर देखो, कोई कहती सर्वत्र वही समाया, कोई कहती हर जगह भगवान नहीं है, हर कोई उसी का अंश नहीं है, कोई क्या सूचना दे रही, कोई क्या सूचना दे रही है। इतनी बात सुनी तो इसे बंद कर लो, साइलेंट करो इसे। इतनी बात सुनी तो महाप्रभु ने कहा अभी उत्तर चाहिए? बोले हाँ। तो गए ठाकुर जी की रसोई बना रहे थे तो उसे शांत कराए। बोले क्या करते हैं आप? करते रहिए और मेरी बात का उत्तर दे दीजिए। हरिवंश महाप्रभु ने कहा, बोले प्यारे संसार का भी कोई काम एक बार में मन एक ही तरफ होता है, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं या ठाकुर जी की रसोई बनाऊं, एक बार में एक ही कर लेता हूं, रसोई फिर बन जाएगी, ठाकुर जी थोड़ा इंतजार कर लेंगे, तुमसे होता नहीं, पहले तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूं। रसोई नहीं बनाई, बोले पहले तुम्हारा ही उत्तर दे देता हूं, बताइए सरकार। बोले ये जो तुम भटक रहे हो ना, ये जो तुम्हारे में भटकाव आ रहा है, बोले तुम्हारे भटकाव का कारण ये किताबें हैं, ये जो इतना इकट्ठा लिए फिर रहे हो ना, पहले इससे थोड़ा अलग आओ और फिर तुम्हें वो तृप्ति मिलेगी। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। और हरिराम व्यास जी ने क्या किया, जितनी पांच बैलगाड़ी किताबों की लेकर आए थे सारी की सारी किताबें यमुना जी में प्रवाहित कर दी। बोले पहले भटकाव का कारण नहीं है और है। देखो मैंने क्यों कहा कि एक पंथ एक संत एक ही ग्रंथ आपके जीवन में होना चाहिए, आप जाओ किसी भी जगह पर आदर सम्मान सबका करो, लेकिन अपने गुरु की बात मानो। अगर आपका गुरु ये कहे कुछ मत करो मिलेगा, यकीन कर लो मिलेगा, वो कहे साधना कर आंखें बंद करके तो वो करो,
वो कहे भीतर देख तू भीतर देख, वो कहे बाहर है तू बाहर देख, वो कहे है ही नहीं तू मान ले है ही नहीं। गुरु जो कहे, जो एक गुरु कहे उसी पथ पर आप चलिए, उसी पर दृढ़ विश्वास करें, उसी पर निष्ठा करें तो ब्रह्म मिलेगा, किस रूप में मिले आपको प्राप्त होगा। लेकिन हमारी भी दुविधा क्या है, हमें एक स्थान पर ठहराव नहीं है। मैंने वही कहा, हम ठहर ही नहीं रहे, हम तो दर्शन करने का सिलिका भी हमारे पास नहीं है, हम तो वहां पर भी दौड़ रहे हैं, बोले चलो फटाफट कर लो फटाफट कर लो, इसका भी दर्शन कर लो, उसका भी दर्शन कर लो, उसका भी दर्शन कर लो, ताकि कल हिसाब किताब दे देंगे, ठाकुर देखाए थे आपको, कुछ नहीं मिलेगा, भटकाव नहीं। छोड़ दे भटकना दर दर, थोड़ा सा कष्ट आया, हम सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। और देखो सबसे बड़ी आज के कलिकाल की दुविधा क्या है, हमारा मन संत के पास भी नहीं ठहर रहा जाकर, हम वहां भी दौड़ रहे हैं, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रही है, क्योंकि हम जा किस लिए रहे हैं, हम संतों के पास भी संसार पाने ही तो जा रहे हैं, ये भी तो भटका भी है। संतों के पास संसार पाया नहीं, संसार छुड़ाया जाता है, पहली बात समझ लो। और हमारी वहां भी दुविधा है, अब किसी किसी गुरुदेव के पास गए और जाने के पास हमारे काम बनने शुरू हो गए, धन की कमी थी धन मिलना शुरू हो गया, तो हमें लगेगा क्या जबरदस्त गुरु है, सबको मैसेज दोगे, बन जाओगे एजेंट आप उसके, बोले मेरे गुरुदेव के पास आइए, ओह आओगे सब कुछ मिलेगा आपको। और महीने बाद, दो महीने बाद, दो साल बाद थोड़ा डाउन हुआ, संसार है अप डाउन चलता रहता, उतार चढ़ाव चढ़ेगा, तो डाउन हुआ, बोले गुरुदेव कृपा आनी बंद हो गई, बोले समोसा खाओ आएगी। क्या क्या है हमारे मन का, वो ये वो संस्कृति है जो जो लड़ना सिखाती है दुखों से, साहस देती है, समर्थवान बनाती है आपको, आपको अंदर से शौर्यशाली बनाती है, मीना की तरह समृद्ध बनाती है आपको, आपको जागृत करती है। और सब है कि सो रहे हैं, क्योंकि सबको चमत्कार की आशा है, सभी चाहते हैं कोई ऐसा गुरु मिले, बस हमारा दुख आए गुरु जी हो गया काम। जो ये सब क्या है, भक्तमाल ये नहीं कहती, भागवत ये नहीं कहती, अगर ये कहती तो जो ब्रह्म सबको देने वाला है वो आकर दुनिया में दुख क्यों सहता, किस लिए राम को 14 वर्ष का वनवास जाना पड़ता, क्या भगवान को आवश्यक था। कृष्ण आते ही मां से जुदा हो गए, देखा जाए दुखी तो था, जन्म जन्म देने वाली मां से बिछो हो गया, अब कहीं और आ रहे हैं, कितना कष्ट है, हर जगह कष्ट ही कष्ट है, हर जगह मृत्यु की दस्तक है, हर जगह मौत सामने खड़ी है कृष्ण के सामने। ब्रह्म था क्या, चाहते तो जुड़ी था कष्ट, ऐश करते ऐश्वर्य में आते नहीं, कभी फकीर बने कभी कैसे आए, राजभवन में रहने वाले, राजतिलक की घोषणा हो रही है, सुबह होगी रघुनाथ जी आप राजा बन जाएंगे, और रघुनाथ जी ने सुना और ढोली ढोली मंगाए, ढोल वाले आओ बजाओ, और राम जी नाचने लग गए, बोले क्यों, बोले राजा बनूंगा, हुआ ऐसा, नहीं हुआ, राम शांत रहे। और एक बार में खबर आई, साहब कल आप राजा नहीं बनेंगे, 14 साल का वनवास है आपको, जंगल में जाना पड़ेगा, गेरुए वस्त्र धारण करने पड़ेंगे, नंगे पग जाना पड़ेगा, भूखे प्यासे रहना पड़ेगा, कंटक पत्थर सब सहने पड़ेंगे, सब दुख सहने पड़ेंगे। राम जी रोने लगे नहीं, सहज मुस्कुराहट, ये शालीनता ही तो भगवान दे रहे हैं। या फिर राम जी ने सुना और फटाफट दौड़े दौड़े गए किसके पास, गुरुदेव वशिष्ठ के पास, कहो राम क्यों आए, महाराज मेरी पत्री देखो, मेरा हाथ देखो, मुझे राजभवन मिलने वाला था, अचानक वनवास मिल रहा है, क्यों, बोले राम तुम्हारे हाथ की रेखाएं कहती हैं तुम पर शनि हावी हो रहा है, राहु केतु हावी हो रहा है, इसलिए तुम्हें राज नहीं मिलेगा, तुम्हें वनवास मिलेगा, अच्छा उपाय बताइए, बोले नहर के किनारे जाओ, अपने ऊपर 7 बार नारियल उतार कर फेंक दो, तुम्हारे राज मिलेगा। ऐसा हुआ नहीं, राम गुरुदेव के पास जाएंगे, गुरुदेव आपकी कृपा से वन की यात्रा करूंगा। राम मां के कई के सामने खड़े हैं, कि कई से कह रहे हैं, बोले बोले मां आप धन्य हैं, आपने वनवास देकर मेरे कितने काम कर दिए, बोले कौन से काम, बोले मेरे पिता की आज्ञा का पालन हो जाएगा,
उनके वचन रह जाएगा, मेरे भाई भरत को राजा बना दिया जाए, कितने प्रसन्न है। बोले मुझे वन में जाकर संतों का दर्शन करे मिलेगा, और सबसे बड़ी बात आज माँ आपकी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा, कितने प्रसन्न है राम, कोई दुख नहीं, किसी से कोई पूछा नहीं, भटक नहीं रहे। और हमारी दुविधा क्या है, हम भटक रहे हैं, ये दिक्कत है। क्यों कहा जाता है कि आप भक्तों का भाव सुनिए, भक्त आपको समर्थवान बनाएगा, आपको सहज बनाएगा, आपको सक्षम बनाएगा, प्रत्येक प्रति सक्षम बनाएगा। क्यों कहा जाता है संत का संग कीजिए, सदगुरु का संग कीजिए, लेकिन निष्ठा कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, वहां पर दौड़िए नहीं, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, पक्का है। कई बार मैंने देखा ना, कई मंदिरों पर भी जाता है लिखा होता है, बोले सर्व मनोकामना सिद्ध मंदिर, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ, सरेआम धोखा। क्यों? एक व्यक्ति तो बताओ जिसकी सब कामनाएं शांत हो गई हो ही नहीं सकता, संसार है ये, संसार का अर्थ ही है सरकना, ये सरकेगा। आज आप बहुत उच्च हैं, थोड़ी बहुत स्थिति बदल जाएगी, कभी कुछ होगा, कभी अप है, कभी डाउन है, दिन भी आ रहा है, रात भी हो रही है। अब आपको मुझे दिन ही चाहिए, रात चाहिए नहीं, तो कैसे संभव है? आपको मुझे रात ही चाहिए, रात भी अच्छी लगती है, दिन होना नहीं चाहिए, तो तुम्हारे कहने से सूर्य तो नहीं अस्त होने वाला। स्वीकार करो, भक्त की भावना स्वीकार करना सिखाती है, हर स्थिति में आपको धन्यवाद सिखाती है। वो स्थिति आपके भीतर दृढ़ होगी, वो भावना आपके भीतर आएगी, आप प्रकृति की कृपा के पात्र हो जाओगे। और ध्यान रखिएगा, जब आपके भीतर भक्ति जागृत होती है तो एक बात समझ लेने वाली है कि उस वक्त ये प्रकृति आपकी मदद करेगी। और दूसरी बात, आज सुबह भी जाते चल रही थी, व्हाट इज द लॉ ऑफ कर्मा, कर्म सिद्धांत क्या है। आपकी पत्री में जो लिखा गया है, देखो पत्री कैसे बनती है, आपकी आपके हाथ की रेखाएं कैसे बनती हैं, जब आपका जन्म हुआ, आपका ग्रह नक्षत्र समय देख लिया जाता है, उस आधार पर आपकी पत्री बनती है। ध्यान दीजिएगा, आपको निर्देश दे दिया जाता है कि आपके जीवन में ये सब होगा, इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आपको सूचना दे दी जाती है कि आपके जीवन में ये घटित होने वाला है। लेकिन आपने कभी विचार किया कि आपके जन्म के वक्त में जब पत्री बनती है, आपको कहा जाता है कि ये सब होगा, तो वो किस आधार पर कहा जा रहा है? आपके पूर्व जन्म में आप जो संस्कार करके आए हैं, उस संस्कार का परिणाम आपको मिल रहा है, जिसके ऊपर आपका पूरा बायोडाटा तैयार कर दिया जाता है कि आप ये सब होगा आपके जीवन में, ये सब होगा। थोड़ी सी बात को समझना जरा, जैसे मान लो एग्जाम्पल समझाऊं, फिर आपको रिपीट करूं मैं। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर ने आपका चेकअप किया, और चेकअप करने के बाद डॉक्टर आपके कह देता है, बोले आपके अंदर ये सिम्टोम्स नजर आ रहे हैं मुझे, आने वाले 6 महीने के बाद आपको ये बीमारी हो सकती है, हुई नहीं है लेकिन लक्षण नजर आ रहे हैं, 6 महीने के बाद आपको ये बीमारी होने के पूरे पूरे चांस हैं। अगर परहेज नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, मेडिसिन नहीं लोगे, ये हो जाएगा, तो 6 महीने बाद ये खतरनाक बीमारी आपको हो सकती है। अब आपके ऊपर दो चीजें लागू होती हैं, वो क्या? सबसे पहले अब आपने टेंशन ले ली, 6 महीने बाद मैं बीमार हो जाऊंगा, 6 महीने बाद मुझे खतरनाक बीमारी हो जाएगी, 6 महीने बाद ये हो जाएगा, 6 महीने बाद वो हो जाएगा, 24 घंटे आप सोच रहे हैं, और होगा क्या? जो 6 महीने बाद होना वो 2 महीने बाद ही हो जाएगा, होगा कि नहीं? पक्का हो जाएगा। और दूसरी घटना ये है कि जब डॉक्टर ने इशारा कर दिया कि 6 महीने बाद आपको ये बीमारी हो सकती है, अब आपने क्या किया? आपने प्रिकॉशंस, आपने प्रिवेंशंस यूज की, आपने परहेज करना शुरू कर दिया, जो लक्षण थे उसकी दवाई लेनी शुरू कर दी, तो उसका परिणाम क्या हुआ? वो बीमारी हुई नहीं। उसने ये कहा था इसके चांस है, ये हो जाएगा तुम्हारे साथ 6 महीने बाद। अब एक तरह तुम बस लेकर बैठ गए, बोले डॉक्टर ने लिख कर दिया ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और 6 महीने से पहले ही हो गया। और एक तरफ तुमने प्रयास किया, तुमने अच्छा प्रयास किया, तुमने सलाह ली किसी अच्छे व्यक्ति से, तुमने विचार विमर्श किया किसी विप्र के साथ, तुमने सलाह विमर्श किया किसी अच्छे डॉक्टर के साथ, कंसल्ट किया, मुझे बताइए मैं क्या करूं, बोले आप ये चीजें करो, ऐसी मेडिसिन लो, आपको कुछ नहीं होगा, आपने वो किया और आपको नहीं हुआ। बिल्कुल यही स्टोरी आपके कर्म के सिद्धांत के साथ है। आपने जैसे जन्म लिया, तो ज्योतिषी बहुत बड़ा विज्ञान है,
तो एक अच्छे ज्योतिषी ने आपको बताया कि आपके पूर्व जन्म का संस्कार ये था, उसके बल पर आप इस ग्रह नक्षत्र में जन्म ले रहे हैं और उसके ऊपर आपकी स्टोरी ये बनती है कि आपके साथ ये हो जाएगा, ये हो सकता है, ये आपकी स्टोरी है। आप उस पत्री को लेकर घर में आए और जीवन भर यही सोचते रहे ऐसा होगा, ये हो जाएगा, वो वैसे वैसे घटित होता चला गया। लेकिन कर्म थ्योरी ये कहती है थोड़ा प्रयास कीजिए, थोड़ा प्रिवेंशन लीजिए, थोड़ा परहेज कीजिए, अगर वो करेंगे थोड़ा सत्संग करें। हर चीज की हर मर्ज की दवा है, अगर समय पर पता लग जाए, समय पर वो ले लिया जाए तो कैसी भी स्थिति क्यों है वो आपकी सुधर सकती है। ये बात समझ लीजिए, सुधर सकती है। लेकिन हमारी दिक्कत क्या है, हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है हमें रोने की आदत पड़ गई है। किसी ने यह कह दिया बस 6 महीने के बाद तुम्हारी यह हालत हो जाएगी, हम उससे उभरने का प्रयत्न नहीं करते, हम उसकी डिप्रेशन में आ जाते हैं, बस ये दिक्कत है। और दूसरी बात समझ लीजिए, हर मर्ज की दवा यहां है, इन ग्रंथों में, इन भक्तों की लीलाओं में, भगवान के नाम में। प्रभु का नाम लो जितना हो सकता है, जितना नाम पुकारोगे, जितना नाम जपोगे, उतना अधिक आप हर प्रकार की उससे बाहर निकल जाओगे। फिर चमत्कार भी हो जाएगा। किसी पूर्ण सदगुरु के संग चले गए, उसका साथ मिल गया, उसकी कृपा हो गई, वो बिन मांगे ही दे देगा, मांगना नहीं पड़ेगा, वो बिन मांगे दे देगा। तो फिर जो गुरु कह दे, गुरु का शब्द न मेटे कोई, फिर जो संत कह दे, जो गुरुदेव कह दे, हो जाएगा, वो आशीर्वाद दे दे, जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है वो मिल जाएगा। थोड़ा प्रयत्न कीजिए। इंग्लिश में कहावत है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करना जानते हैं। दूसरे की मदद करो, अपनी मदद करो। कोई दुखी दिखे उसको देने का प्रयत्न करो, लेकिन इसलिए नहीं कि कल मैं बताऊं मैंने दिया, नहीं, बस प्रयत्न करो, प्रयास करो। किसी रोते हुए चेहरे को हंसाने का प्रयत्न करो तो भगवान तुम्हें हंसाएगा। किसी गिरे हुए को उठाने का प्रयत्न करो तो प्रभु तुम्हें भी उठाएंगे। ये प्रकृति का नियम है, ये बात समझ लीजिए। दिस इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। नेचर क्या करती है, जैसा आप कर रहे हैं वो पलट के आपको दे रही है, अनंत गुना दे रही है, ये स्वभाव है। ये निश्चित कर लीजिए, अगर आप किसी को दुख दे रहे हैं, प्रकृति आपको अनंत गुना करके वापस लौटाएगी। आप किसी के चेहरे पर हंसी लेकर आ रहे हैं, आप किसी को प्रसन्नता दे रहे हैं, यही प्रकृति आपको अनंत गुना करके आपकी प्रसन्नता आपको लुटाएगी। जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। दिस इज द लॉ ऑफ कर्मा, दिस इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, दिस इज द लॉ ऑफ गॉड। ये भगवती नियम है, मिलेगा आपको। कोई भूखा प्यासा है, किसी को मिल नहीं रहा, अब क्यों हमारी संस्कृति के नियम है, भंडारे करो, ये करो, वो करो, क्यों करते हैं, दान दो, ये सब क्यों करते हैं, ताकि तुम्हारे भी अकाउंट में बैलेंस बना रहे। कोई भिखारी आया, मांगने वाला आया, क्यों मांग रहा है, थोड़ा समझिए, इसने पीछे नहीं जमा किया, खाली है अकाउंट। तुमने अपने बैंक में कोई पैसा नहीं रखा, समय आया तुम्हें लोगों से मांगना पड़ेगा, भैया कुछ है नहीं, दे दे, ये आवश्यक, मांगना पड़ेगा, निश्चित है जब है नहीं, लेकिन तुमने समय समय पर डालते रहे, जमा करते रहे, समय आया तुम्हारे पास है, जो मांग रहा है निश्चित है, उसने नहीं दिया, इसलिए अकाउंट में नहीं था, वो कहां से लेगा, उसे मांगना पड़ेगा। इसलिए भिखारी दर पर आए, भिक्षुक आए, निरादर मत कीजिए, अगर कुछ नहीं देना हाथ जोड़ दीजिए, क्षमा मांग लीजिए, उसे जाने दीजिए। कई लोग देखे हमें निरादर कर देते हैं, बहुत कुछ अपशब्द बोल देते हैं, सावधान हो जाइए, किसी का निरादर मत कीजिए, और कोई पता नहीं प्रभु कब किस रूप में सामने आ जाए। हाँ, सावधान भी रहिए, कलिकाल का वक्त है, कहीं सोचो महाराज जी क्या कर गए थे, ना जाने भगवान आ जाए, और कल कोई भी आ जाए, जना खाना बोले आओ आओ भगवान आए भगवान आए, तो उससे भी सावधान, थोड़ी सावधानी भी चाहिए, जरूरी है। अब मैं वृंदावन धन राधा चरण शरण मन दीजो, मोहन लाल रिझायो
अब मैं धन पायो सोयो हूँ तो विषय मंदिर में सोयो हूँ तो विषय मंदिर में। थोड़ा जाग जाइए, जगाने का काम भी कोई सदगुरु करता है। सोयो हूँ तो विषय मंदिर में सोयो हूँ तो विषय मंदिर में हित गुरु तेरे जगायो सदगुरु तेरे जगायो अब मैं वृंदावन धन पायो 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 अब मैं वृंदावन धन पायो। सावन बरस रहा है, रिमझिम बरसात हो रही है और मीरा भाव में डूब रही है। मीरा बैठी नेत्र बंद है, आवेश आया और भाव साम्राज्य में कहाँ पहुंचती है मीरा। अब मैं तावन भाव में और भाव में मन में क्या उठ रहा है कि झूला पड़े हुए। सावन का वक्त है, हरियाली तीज का वक्त है और श्याम सुंदर श्यामाजू झूला झूलते हैं, सखियां झुला रही हैं और मीरा पहुंच गई वृंदावन में। देख रही है सन्मुख वृंदावन की छटा, यमुना जी का पुलीन, कदम्ब की छैया और सुंदर निकुंज के अंदर झूला पड़े हो और श्याम सुंदर और प्रिया जी झूलेंगे आकर। सब सखियां आ रही, उमड़ उमड़ कर आ रही हैं और मीरा के अंदर भाव क्या उठ रहा है। मारे हिदे हिदन हालो रे बिहारी, मारे हिदे हिदन हालो रे बिहारी, बरसाने रे हरिया बागा, बरसाने रे हरिया, बरसाने रे हरिया बागा, बरसाने रे हरिया बागा, हरियाली चहो और जी, हरियाली चहो और जी, मारे हिदे हिदन हालो रे बिहारी, मारे हिदे हिदन हालो रे बिहारी। क्या भाव ले रही है? बोले श्याम सुंदर आइए ना, झूला झूल रही है, हम सब सखियां इकट्ठे मिलकर आपको झूला झूलाएंगी। मारे हिदे हिदन हालो रे बिहारी, मारे हिदे हिदन हालो रे बिहारी, हरिया सावन हरिया भादव, हरिया सावन हरिया भादव, हरिया सावन हरिया भादव, हरिया सावन हरिया भादव, बिजली बादल घोर जी, बिजली माधव घोर जी, बिजली बादल घोर जी, बिजली बादल घोर जी, मारे हिदे हिदन हालो रे बिहारी, मारे हिदे सावन का वक्त, उमड़ उमड़ कर बादल आ रहे हैं, बिजली चमक रही है, बिजली चमक रही है और यहाँ पर श्याम सुंदर की जो अनुपम दिव्यतम छवि है वो मीरा के मन को इतना आकर्षित कर रही है। बोले यहाँ पर तीन तीन ऐसे हैं जो इस वक्त चकाचौंध कर रहे हैं, तीन ऐसे हैं जो हृदय की चित्तवृत्ति को निकाल कर ना जाने इतना आकर्षित कर देते हैं, मन लुभावना हो जाता है। और वो तीन कौन? बोले प्रथम तो ये बादल, ये काले काले घनघोर घन, ये मेघ घन और फिर बिजली का चमकना। इसकी ओर देखती हूँ तो मन लूटा जा रहा है, इसकी ओर देखती हूँ तो मन आकर्षित हो जा रहा है। ये बादल की घनघोर छटा और बिजली का चमकना, ये दामकी का दमकना, ये मन को खींच रहा है। और दूसरे श्याम सुंदर का ये मुख कमल और पीताम्बरी खींच रही है। और तीसरे श्याम सुंदर की घुंघराली लट, वो लटा और भगवान के नेत्र खींच रहे हैं।
मारे हृदय हिदन हालो रे बिहारी, मारे हृदय हिदन हालो। ये दादाजी मीरा का भाव समराज्य है, चिन्मय देह से प्रवेश, क्योंकि वृंदावन में ध्यान दे, वृंदावन में आप भौतिक देह से प्रवेश नहीं कर सकते, इस देह से प्रवेश नहीं है। एक वृंदावन वो जो आप दर्शन करते हैं, और एक देखिए मेरी एक प्रार्थना है, इसके बाद जो लीला शुरू हो रही है, आप लोग अगर किसने आगे से उठना है पहले पीछे जाकर बैठ जाओ, किसी के मोबाइल नहीं बजने चाहिए, आपने कोई हरकत नहीं करनी, कोई भूल से बातचीत नहीं करनी। मारे हृदय हिदन हालो रे बिहारी, मारे हृदय हिदन हालो ले बिहारी। चिन्मय देह मीरा की कहां पहुंच गई? श्रीधाम वृंदावन में। भौतिक देह कहां है? मेड़ता में। और चिन्मय देह कहां है? श्रीधाम वृंदावन में। यार तुम भी ना हरकतें बंद कर दो, वरना अब यहां से बाहर जाओगे सदा। बंद कर दे इसको। मारे हृदय हिदन हालो रे बिहारी, मारे हृदय हिदन हालो रे बिहारी। कोयल मोर पपीहा बोले, कोयल मोर पपीहा बोले, नाचे बनराम मोर जी, नाचे बनराम मोर जी। मारे हृदय हिदन हालो रे बिहारी, मारे हृदय हिदन हालो रे बिहारी। उसी वक्त सखी ने देखा श्याम सुंदर पधार रहे हैं, घनश्याम आ रहे हैं, क्या अलौकिक छवि, इनके नेत्र जैसे आज चित्त को भेद देंगे, इनकी मुस्कुराहट जैसे और अधिक मार नजर आ रही है, फिर ऊपर से मेघ का गड़गड़ाहट करना, बिजली का चमकना, दम दम दामकनी का चल देना, और फिर इनकी पीताम्बरी, इनकी चितवन, इनके मदन का स्मित स्मित हास्य, इनकी चाल, इनकी ढाल, इनके वेणु का वादन, और फिर चलना और चित्त का हरण करके लेके जाना। मारे हृदय हिदन हालो रे बिहारी, मारे हृदय हिदन हालो रे बिहारी, मारे हृदय हिदन हालो रे बिहारी, मारे हृदय हिदन हालो रे बिहारी। बरसाने राधे जीरो चुड़लो चमके,
चूनड छोर जी दम के चूनर छोर जी ओ मारे हिदे हिदन हालो रे बिहारी मारे हिदे दर्शन को ही बड़ो पीव दर्शन को ही बड़ो पीव दर्शन को ही बड़ो राधा नैन चकोर जी राधा नयन चकोर जी ओ मारे हिदे हिदन हालो रे बिहारी मारे हिदे हिदन हालो रे बिहारी ओ मारे हिदे हिदन हालो रे बिहारी मारे हिदे हिदन हालो रे बिहारी बाट बिलो के कद आसी जी कद आसी जी बाट निहार रही है कब आसी बाट बिलो के कद आसी जी बाट बिलो कद आसी चित चोर जी कद आसी चित चोर जी मारे हिदे हिदन हालो रे बिहारी मारे हिदे हिदन हालो रे बिहारी ओ मारे हिदे हिदन हालो रे बिहारी मारे हिदे हिदन हालो रे बिहारी मारे हिदे हिदन हालो रे बिहारी श्यामा जू आई है और श्यामा जू का चूड़ा चमक रहा है और चुनरी का छोर दमक रहा है ऊपर मेघ और बिजली दमक रही है और सखियां इंतजार करती हैं बाट बिलो के कद आसी जी कद आसी चित चोर जी मारे हिदे हिदन हालो रे घनश्याम आए और श्री श्यामा श्याम जी झूले पर सवार हुए बोले श्री श्यामा श्याम की जय और सब सखियां झुला रही हैं और मीरा एक तरफ खड़ी है ये गोपिका एक तरफ खड़ी है और झूला झुला रही है सब सखियां इर्द गिर्द हैं कोई कोई वीणा लेकर बैठी है कोई मजीरा लेकर बैठी है और गा रही है मारे हिदे और खूब झूला झूला जा रहे क्या आनंद ले रहे हैं जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री शांति शांति गाओ गुनगुनाओ केवल जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन जय जय वृंदावन 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 खूब आनंद ले रही है सखियां खूब आनंद लिया और मीरा की दृष्टि कहाँ है चितचोर पर उन्हें निहार रही हैं क्या आनंद है और श्याम सुंदर भी क्या करते कभी कभी झूला झूलते झूलते थोड़ी तिरछी नजर से मीरा की ओर देख लेते हैं और जब देखते हैं तिरछी नजर से तो जैसे बस चित्त वृत्ति खींची चली गई है कितना समय तक आनंद विभोर होता रहा मंगल गीत चलते रहे मोर नाच रहे हैं पपीहे बोल रहे हैं सुंदर शीतल पवन चल रही है दमक दमक दामनी दमकी मेघ छम 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 बरसने लगे क्या कमाल का आनंद प्रकट हुआ श्रीधाम वृंदावन में अद्भुत खूब दर्शन किया और फिर श्याम सुंदर चले गए श्यामा जो चली गई सब चली गई सखियां मीरा नहीं गई
दिखती रही, शुद्ध बिसर गई, क्या मनमोहक रूप। और फिर मीना क्या करती है, जिस झूले पर श्री श्यामा श्याम जो विराजमान हुए थे उसी झूले पर आकर बैठ गई और डूब गई श्याम सुंदर के रूप में, डूब गई, अकेली बैठी है और झूला झूल रही है और डूबी हुई है उसी रूप में, आनंद ले रही है। और मस्ती कहाँ है, श्याम सुंदर को याद कर रही है, वो अलौकिक स्वरूप, वो चितवन बार बार नजर के सामने हटती नहीं है, बेसुध है, संसार की होश नहीं है। इतने में पीछे से एक सखी आई और धीरे धीरे मीरा को झूला झुलाने लगी। और पिछली सखी बोलती है, अरे सखी तू कहाँ खोई हुई है। कोई जवाब नहीं, अरे सखी बस बोल मत, खो जाने दे उस रूप में। वो फिर पूछती है, अरे किस रूप में बाबरी हो रही है तू। वही एक रूप, वही स्वरूप जो मनमोहक है, जो अनंत अनंत ब्रह्मांड को आकर्षित कर लेता है उसी रूप में। और फिर सखी ना, ये बोल तो सही ना, कुछ गुनगुना तो सही ना। और ये मस्त, और इतने में पीछे सखी जो झुला रही थी वो पास में आकर बैठ गई, झूले पर पास में बैठ गई और आकर कंधे पर हाथ रखा, ए सखी। और ये बेसुध चुप कर जा सखी, वो आनंद लेने दे। और फिर जोर से झटका दिया, और जैसे झटका दिया पलट कर देखा तो सखी नहीं थी, श्याम सुंदर बैठे थे, बोल वृंदावन बिहारी, गिरधर नागर संघ में बैठे। क्यों रही, कब से मुझे सखी सखी बोल रही है, एक बार देख तो उसे सखी है कि सखा है। श्याम सुंदर आप बोले, बस देखती रह गई, चल झूला झूले आज। कब से बोल रही है, मारे ही दे हिजन हालो रे बिहारी, कब से गा रही है और कब से तेरे पीछे खड़ा झूला झूला रहा हूं, वो नहीं देख रही है। अब कहां गया तेरा गुनगुनाहट करना, अब कहां गया तेरा वो बोलना, अब बोलना मारे ही दे हिदन। अब क्या बोले, घनश्याम संग में बैठे हो तो कौन किसका साहस कुछ कहने का। अरे अरे कौन सी जीवा चलती है फिर, किस मन को सूझती है इनके सन्मुख आने के बाद फिर कुछ कहने की। घनश्याम ही कहते हैं, बोले कब से बोल रही है, बाट बिलो के कद आसी जी, कद आसी चित चोर जी, अब आया हूं तो बात भी नहीं करती, चल झूला झूले। और झूला कैसे झूल रहे हैं, खड़ी हो, बोले काहुई को, बोले झूला झूलेंगे, बोले बैठे तो हैं झूला झूल, तो बोले बैठ कर नहीं झूलेंगे, आज खड़े होकर झूलेंगे। और घनश्याम झूले पर खड़े हो गए, साथ में मीरा खड़ी हो गई, और इधर से प्रभु ने पकड़ रखा है, इधर से मीरा ने झूले को पकड़ रखा है। और ये हाथ कहाँ है, मीरा का हाथ प्रभु के कंधे पर, और भगवान का हाथ मीरा के कनपटी पर, और ये हाथ ठाकुर जी का यहाँ है रस्से पर, और मीरा का हाथ रस्से पर। आप अनुभव कीजिए, क्या झूला झूला, इतनी तीव्र गति से कि जब झूला ऊपर जाए तो यूं लोगे वैकुंठ जा रहा है, जब वापिस आए तो लोगे ब्रजधाम जा रहा है। बोले वैकुंठ की खबर भी किसे है, जिस प्रीतम के साथ झूल रही है, क्या आनंद बरस रहा है। इतनी तेजी से प्रभु ने झूला झुलाया, इतनी तेजी से झुलाया कि एक बार तो झटका लगा, मीरा को गिरने लगी, और जैसे मीरा का हाथ रस्से से छूटा, घनश्याम ने पकड़ लिया और अपने हृदय से लगा लिया, और वो झूला झूल रही है मारे हृदय। आप कल्पना करो, कई बार लोग प्रश्न करते हैं, ये निरी कल्पना नहीं है। अब संसार क्या जाने, भक्त का भाव और वो डूबना, वो उतरना, वो घनश्याम के साथ मिलना, जिसने नजर भर कर कभी प्रभु को अपनाया नहीं है, वो क्या जाने का वो भाव क्या है। और चलो मान लो कल्पना, तो फिर बड़ी सुंदर कल्पना है। संसार की कल्पना संसार से जुड़ देगी, और भगवान की कल्पना भगवान से जुड़ देगी। क्या दृश्य है, इस मीरा का हाथ छूट चुका है, ध्यान दीजिए, रस्से से छूट चुका है, और गिरने लगी थी मीरा, लेकिन गिरने दिया नहीं, पकड़ लिया श्याम सुंदर ने, और पकड़ कर क्या किया, अपनी बाहों में ले लिया। और इधर श्याम सुंदर का हाथ कहाँ है, झूले पर ही है, और मीरा श्याम सुंदर की बाहों में झूल रही है, और झूला चल रहा है मारे ही दे हिदन हालो रे बिहारी। हरिया सावन हरिया बाधव, मेघ बरस रहे, झमझमा झम रिमझिम रिमझिम बरसात हो रही है, दोनों भीग रहे, मीरा और कृष्ण। हरिया सावन
हरिया भादव बिजली बादल घोर जी मारे हिदे हिदन गोर बिहारी मारे हिदे। ये वही रूप है जो देखकर मेरा गुनगुनाती है मेरी अखियां पके रंग रंगी मेरी अखियां रूप के रंग रंगी झूला झूला कर घनश्याम उतरे एक छोर पर जाकर बैठ गए मीठी मीठी बातें करते रहे और बातें करते करते चित्त चोर तो है ही है छलियां तो है ही है और मीरा बात करती रही और घनश्याम कब चले गए खबर नहीं लगी और डूब गई उसी रस में। और जैसे डूबी घनश्याम गए एकदम नेत्र खुले घनश्याम करते करते हे प्रीतम कहाँ चले गए प्रीतम कहाँ चले गए। और सावन बरस रहा था बाहर भी रिमझिम बरसात हो रही थी मीरा खड़ी भीग रही है चंपल चंपा चमेली के आवाज दे रही है भाई साहब भीतर आ जाइए भीग जाएंगे वो क्या जाने ये कौन सा भीगना है ये कौन सी बरसात हो रही है। प्रेम रस बरस्योरी आज मोरे आंगन आज मोरे आंगन में आज मोरे आंगन में आज मोरे आंगन में आज मोरे आंगन में प्रेम रस बरसोरी आज मोरे आंगन बरसोरी आज मोरे आंगन में हल्का सा ले लो हल्का बरसोरी आज मोरे आंगन में धरती नाची अंबर नाचा धरती नाची अंबर नाचा। देखो जब जब भक्त उस आनंद में डूबा हुआ हो ना तो भक्त के साथ डूब लो हमारा भी काम हो जाएगा। धरती नाचे अंबर नाचा धरती नाचे अंबर नाचा आज मेरा मन झूमा नाचा आज मेरा मन झूमा नाचा मैं नाची जग सारा सभी पराए हो गए अपने सभी पराए हो गए अपने लगे प्रेम की माला जपने लगे प्रेम की माला जपने लगे प्रेम की माला जपने प्रीतम बरसोरी आज मारे आ
जो भक्त देख रहा है संसार नहीं देख सकता, उसकी चिन्मय देह जिस ब्रह्म की प्राप्ति कर रही है संसार को नजर नहीं आता, क्योंकि संसार के सामने पर्दा है। और जब तक ये कृपा ना करे, कोई संत कृपा ना करे, तब तक कैसे वो दृष्टि को। या मीरा जी का मैंने पहले कहा, आप मीरा के करीब जाएंगे, मीरा के भाव के करीब बैठ जाएंगे जाकर, तो ये भाव की जागृति आप में भी आ जाएगी, ये भाव आप में भी आ जाएगा। केवल बैठना पर्याप्त है, केवल करीब चलिए उसके, केवल करीब, बहुत करीब, बहुत करीब। मेड़ता में दीक्षा दी जयमल जी को, और मीरा फिर वापस चित्तौड़ में आती है, और चित्तौड़ में षड्यंत्र चलते रहे मीरा के साथ, कई प्रकार के षड्यंत्र हैं, लेकिन आज मैं उन षड्यंत्रों का जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि आज मुझे वृंदावन जाना है मीरा जी के साथ, और कल फिर द्वारिका में भी जाना है। और ये पहली बार है जब इतना विस्तार में मीरा जी का ये भाव है जो आप पर कृपा ठाकुर जी ने की है, क्योंकि 3 दिन या 5 दिन का ही समागम मीरा जी का भाव होता है, और पहली बार 7 दिन का समागम है। और ये गंगा जो मीरा के प्रेम की प्रवाहित रहनी चाहिए, गंगा सदा बहती रहनी चाहिए, क्योंकि गंगा बहेगी तो भक्त आएंगे और स्नान करेंगे, डूबेंगे, उतरेंगे उसके अंदर। ये अनंत भाव मीरा का। इधर देखो जयमल मीरा को छोटा भाई, राम जी के प्रति बड़ा लगाव है, और मीरा ने दीक्षा दी, रघुनाथ जी से बड़ा प्रेम करते हैं कौन, जयमल। और जयमल का एक नियम है कि सुबह के वक्त में राजा राम सरकार की पूजा करना, उपासना करना, और उस समय के दौरान वो कहीं नहीं जाते, ये पक्का नियम है। और एक नंगी तलवार अपने पास रखते हैं, किस लिए, अगर पूजा में कोई विक्षेपित पैदा करेगा तो तलवार उसका सर अलग कर देगी, ये नियम था जयमल, ये नियम था कि जितनी देर मेरी पूजा का समय है रघुराज सरकार के साथ संसार बीच में ना आए कोई व्यक्ति, भले कितना आवश्यक काम क्यों ना हो, कुछ भी हो। और ऐसी साधना जयमल की, क्योंकि जिस पर भक्तों की कृपा हो जाए तो फिर सागर कुछ अलग है, भाव कुछ अलग है। जयमल का प्रतिदिन का नियम रघुनाथ जी की सेवा करना, उनका गुणानुवाद करना, खूब आनंद लेना। श्री राम जय राम जानकी जीवन राम, श्री राम जय राम। यहाँ थोड़ी गूंज होगी आवाज, थोड़ी पतित पावन राम हरे जय मारुति सेवित राम, दीनो धरना राम हरे जय जानकी जीवन राम, दीनो धरना राम हरे जय जानकी जीवन राम, जय राम जय रघुराम जानकी जीवन राम। प्रतिदिन का नियम जयमल का, रघुनाथ सरकार के सामने बैठा, खूब पूजा करना, और ये पक्का नियम, और कोई आता भी नहीं था, भले कितना आवश्यक काम क्यों ना हो कोई नहीं आता था, क्योंकि जानते थे कि नंगी तलवार पास में है, अगर ऐसा कुछ होगा पूजा से अलग किया जाएगा तो फिर जीवन खोना पड़ेगा। और कहते एक दिन खबर लगी कि पास का जो शासक है वो अपनी पूरी सेना लेकर आज मेड़ता पर कब्जा करने के लिए आ रहा है, जीतने के लिए आ रहा है, और केवल 4-5 कोस की दूरी रह गई और पूजा का क्रम चल रहा था उसी वक्त में, तो किसी का साहस नहीं हो रहा था जाकर जयमल को ये खबर देने का कि पास सेना आ चुकी है। तो कहते जयमल के पास साहस नहीं जाने का, किसी का, डरते हैं सभी तलवार चलेगी और सर अलग हो जाएगा, तो बोले करे तो क्या करे, और केवल 4-5 कोस की दूरी रह गई है और शत्रु आ जाएगा अपनी तमाम सेना के साथ, हम लोग करेंगे क्या, आज्ञा कौन देगा, आदेश कौन देगा जयमल के सिवा, और वो बैठे पूजा में। अब जिसको कहा जाए वो जाता ही नहीं था, जिसको कहा जाए वो रुका हुआ है, जिसको कहे वो पहुंच नहीं रहा। तो इतने में खबर लगी जयमल की मां के पास,
गिरजा देवी के पास खबर लगी, बोले इस प्रकार से शत्रु करीब आने लगा है, सेना पूरी पर्याप्त साथ में है, 4-5 कोस की दूरी है, अगर वो आ गए आक्रमण हो गया तो फिर कुछ बचेगा नहीं। बोले फिर आप जाते क्यों नहीं है जयमल के पास? बोले आप नियम जानती हैं, नंगे तलवार पास में है, किसी का साहस नहीं है। तो गिरजा देवी ने कहा आप चिंता मत करो मैं जाऊंगी। बोले जयमल से मिलने मैं जाऊंगी, मैं जाकर सूचित मैं करती हूँ, अनर्थ ना हो जाए, समस्त लोगों के जीवन की प्रश्न है, मैं माँ हूँ, और अगर मान लो कि मेरा सर धड़ से अलग हो भी जाए तो कोई चिंता नहीं, कम से कम शासन बचेगा, इतने लोग बचेंगे, आवश्यक है सूचना देना। और कहते फिर माँ गई, कोई और नहीं गया, जयमल की माँ जाती है। और जैसे ही माँ गई तो भवन में प्रवेश किया, मंदिर थोड़ी दूर था, अभी भवन में प्रवेश किया तो क्या देखा, जयमल वहीं मिल गए, जयमल दाता जी वहीं मिल गए। तो माँ को देखा, प्रणाम किया, बोले बेटे आप तो पूजा में बैठे थे, बस माँ पूजा हो गई उसके बाद आया हूँ। बोले बस फिर सूचना दी, बोले इस पर शत्रु की सेना आ रही है, 4-5 की दूरी पर है, कोस की दूरी पर है, बहुत अधिक सेना है, आपकी आज्ञा सब लेना चाहते थे लेकिन तलवार के डर से। बोले फिर माँ आप क्यों आई? बोले मुझे चिंता नहीं थी, अगर आज सर अलग हो भी जाता तो जयमल क्या था, तुम्हारा नियम भी रह जाता, लेकिन कम से कम लोग तो बचते, शासन तो बचता। बोले ठीक है माँ आज्ञा दीजिए। बोले आप आज्ञा दे जयमल, आप आज्ञा दे। और जयमल ने कहा चिंता मत करें, पूरी सेना को तैयार किया, जयमल आया और उनका जयमल का घोड़ा था केकान, केकान पर जयमल सवार हुए, अपने शौर्य वस्त्र धारण किए, अपना पूरा वस्त्र धारण करके, हाथ में अपनी खड़ग लेकर जयमल घोड़े पर सवार होके अपनी सेना को संग में लेकर चले युद्ध करने के लिए। और कहते इतनी बड़ी सेना थी शत्रुओं की, और जयमल ने क्या शौर्य से युद्ध किया, एक एक व्यक्ति को सुला दिया रणभूमि पर, समर भूमि में, जिस तरह देखो लाशें बिछ गई, और कुछ ही समय में जयमल ने पूरा युद्ध जीत लिया, जयमल ने पूरा युद्ध जीत लिया। और आज केकान ने भी क्या शौर्य दिखाया, घोड़े ने क्या शौर्य दिखाया, और आज जयमल की तलवार जो दमकी थी क्या जबरदस्त, पूरी समर भूमि में समस्त वीर योद्धा, आज क्या उज्जवल युद्ध हुआ, और कुछ ही समय लग गया और उसे युद्ध जीतने के लिए जयमल वापस आया, जय घोष होने लगी, बोलिए जयमल सरकार की, खूब जय जयकार हुई जयमल की, क्या शौर्य बड़ा, आज माँ गिरजा का मन गर्व से फूल गया, वाह जयमल, आशीर्वाद दिया, प्रणाम किया जयमल ने आकर मैया के चरणों में, बोले माँ आपका आशीर्वाद था, आपने समय पर आते ही सब काम कर दिया। बोले तेरा नियम भी रह गया और आज युद्ध से रक्षा भी हो गई। इतना कहकर बोले बेटे थक गया होगा, जा विश्राम कर। और वो भीतर गया, बाहर उत्सव हो रहा है, खूब उत्सव हो रहा है, जय घोष हो रही है, जोर जोर से मृदंग बज रहे हैं, जय जयकार हो रही है, जयमल सरकार की जय, जयमल सरकार की जय। इतने में जयमल फिर बाहर आए, और जैसे बाहर आए जयमल तो आकर पूछे, बोले आप ये लोग क्या कर रहे हो आप ये सब? बोले सरकार विजय उत्सव मना रहे हैं। बोले विजय उत्सव? कौन सा विजय उत्सव? बोले अभी जो आप युद्ध जीत कर आए हो। बोले कौन युद्ध जीत कर आया? बोले आप ही तो आए थे। बोले मैं तो अभी पूजा से उठकर आया हूँ, युद्ध कौन जीत कर आया? बोले अभी अभी सरकार आप गए थे, क्या शौर्य आपने दिखाया, क्या समर भूमि में उस दुश्मनों को लिटा दिया, लाशें बिछ गई, पूरा युद्ध करके आप आए हैं। बोले मैं तो अभी पूजा से उठकर आया, मैं तो आया ही नहीं था। बोले फिर वो कौन था? बोले वो रघुनाथ सरकार आए थे जयमल का रूप धारण करके, वो आए थे। बोले मेरा रूप धारण करके प्रभु आए थे। बोले समझ गया, ये रघुनाथ आए थे। बोले लोगों ने बताया क्या शौर्य, केकान ने क्या? बोले केकान कहाँ है? अस्तबल में गए केकान के पास, रो पड़े जयमल। और जब जाकर देखा केकान को घोड़े को अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, उसका पूरा बदन घोड़े का रोमांच से भरा हुआ है। जाकर जयमल ने उसको अपने गले से लगाया, अरे बड़ा भाग्यशाली है तू, आज रघुनाथ तुझ पर सवार हुए, मैं तो जीवन भर प्रतीक्षा करता रहा रघुनाथ कब आएंगे, तुझे सौभाग्य मिल गया, तुम समस्त लोग सौभाग्यशाली हो, मैं सेवा करता रहा, मैं पूजा करता रहा, दर्शन तुम्हें हो गए। इतना केकान को पकड़ा, केकान गिर पड़ा, बैठ गए जयमल पास में केकान को लेकर, हे केकान
मेरे भाई, मेरे परम सेवक, अरे तू सौभाग्यशाली है, रघुनाथ तुझ पर सवार होकर गए, रघुनाथ का दिव्य स्पर्श तुझे मिला। कहते रहे जयमल, रोते रहे, ओ कैकान ने सर गेर दिया। पृथ्वीराज ने, भाई ने आकर कहा, भैया कैकान को छोड़ दो, वो श्वास छोड़ चुका है, वो प्रभु के धाम में जा चुका है। आज हर व्यक्ति रो रहा है, आंसू भरे हुए हैं। अपनी माँ गिरजा से पूछते हैं, जयमल माँ कितनी सौभाग्यशाली है, तुझे प्रभु मिले, कहाँ मिले थे तुझे? बोले तेरे ही भवन के बाहर मिले थे। कैसे थे? बिल्कुल तेरे जैसे, बस दो चीजों का अंतर था। क्या? उनकी मुस्कुराहट, उसके नेत्र कुछ अलग ही दमक रहे थे। एक बार तो मन ने कहा था, इन आंखों में ऐसी करुणा, ऐसी दमकनी क्यों है, ये मुस्कुराहट कुछ अलग सी क्यों है? लेकिन फिर रूप तो तेरा ही था ना। बहुत रोए जयमल, बोले आप सभी सौभाग्यशाली हैं, और ये मीरा बाईसा का प्रताप है, ये भक्ति का बीज उन्होंने दिया, आज 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 रघुनाथ आए मेरा रूप धारण करके। आप सब लोग सौभाग्यशाली। और ये केकान, क्या क्या उसकी यात्रा निकली केकान की? बोले ये पशु होकर, जानवर होकर रघुनाथ को पा गया। रघुनाथ इसी पर सवार हुए थे। आप विचार करो, केवल मानव ही नहीं पाता, जिस पर रघुनाथ कृपा करते हैं भगवान क्या कृपा करते। केकान घोड़े पर प्रभु स्वीकार होकर गए, और क्या युद्ध किया, आज क्या दमकी थी तलवार भक्त की रक्षा करने के लिए, और भक्त समुदाय की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं विराजमान हो जाते हैं। लेकिन कहा, जहां भक्तों का प्रताप हो, आज मीरा बाईसी की ऐसी कृपा हुई, जयमल दीक्षित हुआ, रघुनाथ के प्रति जो लो लगी प्रेम की, क्या अद्भुत। इसलिए कहता हूं, भक्तों का संग करो, भक्तों के करीब रहो, करीब रहोगे तो कुछ पा जाओगे। ऐसे लागी लगन मीरा होके मगन, वो तो गली गली हरी गुण, बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग, मीरा रानी दीवानी, ऐसी लागी लगन मीरा होके मगन, ऐसी लागी लगन मीरा होके मगन, वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी। चित्तौड़ में फिर षडयंत्र हुए। विक्रम समझ गया, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं हो सकता। अंत में विक्रम मीरा के पास आया। भाभी मारा एक प्रार्थना है, कहिए आप चित्तौड़ छोड़कर चले जाओ। विक्रम ने खुद ही कह दिया, आप चले जाओ। आंसू आए मीरा के, हे गिरधर, चित्तौड़ छोड़ने का समय शायद आ गया। लेकिन यूं ही नहीं गई, एक पत्र लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी को, हे गुरुदेव, मेरे जीवन की स्थितियां ऐसी हैं, आप मार्ग दीजिए। दयाराम पंडे का एक सेवक ब्राह्मण, वो गया वाराणसी काशी विश्वनाथ, तुलसीदास जी से मिला, पत्र प्रदान किया। मीरा बाईसा का प्रश्न देखकर द्रवित हो गए, बोले भक्तिमती मीरा के श्री चरणों में इस गोस्वामी तुलसीदास का प्रणाम करना, आयु में बड़ा हूं मैं लेकिन उसकी भक्ति बहुत अनंत है। उत्तर लिख कर दिया, मीरा ने पत्र पढ़ा, और गोस्वामी क्या कहते हैं, जाको प्रिय ना राम वैदेही, अपनी भाषा में उत्तर दे रहे हैं, हे मीरा, जिसके हृदय में श्री सीताराम जी के प्रति प्रेम ना हो, वो कितना ही स्नेही क्यों ना हो, उसे करोड़ों करोड़ों वैरियों के समान समझकर त्याग देना चाहिए। जैसे प्रहलाद ने पिता का प्रत्याग कर दिया, भविष्य ने भाई का प्रत्याग कर दिया, गोपिकाओं ने पतियों का प्रत्याग कर दिया, लेकिन इन सब का प्रत्याग, इनका त्याग मंगलकारी हुआ। इसी प्रकार कृष्ण के लिए छोड़ दो और चली जाओ। गोस्वामी का उत्तर मिला मीरा को,
और जब मिला बस मीरा ने अपना एक कतारा लिया और चली मीरा चित्तौड़ छोड़कर। आज उदय बहुत रोई, क्षमा करना भाभी मारा, बहुत अपराध किए हैं आपके चरणों में, लेकिन जानती हूं आप क्षमाशील हैं, करुणामयी हैं, आप जैसी करुणा किसी में देखी नहीं है। हृदय में कोई क्रोध मत लेकर जाना, मीरा ने हृदय से लगा लिया, बाईसा कैसी बात करती हैं, आप मेरी आदरणीय हैं, बस मिली। पता नहीं उदय कहती हैं फिर कभी मिलना होगा कि नहीं मिलना होगा, लेकिन उदय ने इतने शब्द जरूर कह दिए, इतना जानती हूं भाभी मारा आपका अपमान चित्तौड़ ने किया है, चित्तौड़ भी बचेगी नहीं जब तुम जाओगे। मीरा चली गई और उदय रोती रह गई। ऐसी लागी लगन मीरा होके मगन। यहां से मीरा मेड़ता में आई है पहले, और चार भुजा की नाथ के मंदिर में खूब सत्संग हुआ कुछ दिन। उसके बाद मीरा फिर पुष्कर गई, पुष्कर में कुछ दिन रुकी, और फिर मीरा के मन में एकदम आया, मैं कभी मेड़ता रहती हूँ, कभी चित्तौड़ जाती हूँ, कभी पुष्कर आती हूँ, कैसे भूल गई श्री धाम वृंदावन को। चल मन अब पिया के देश चल, अब चल जहां जन्म जन्म की ठोर है, जहां जन्म जन्म की छोर है उसी ओर चल। ऐसी लागी लगन मीरा होके मगन, वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी। तीन सखियां संग चल रही हैं, चंपा चमेली और केसर। चंपा ने विवाह नहीं किया था, चमेली केसर के विवाह थे। चमेली का पति था शंकर और केसर का पति था केशव। मीरा ने बहुत रोका लेकिन नहीं माने, बोले नहीं भाईसा, आपके जीवन आपके चरणों में ये जीवन समर्पित है, आपके संग ही जीना है, आपके संग ही मरना है, नंगे पग चले। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुण गाने। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा होके मगन, ऐसी लागी लगन मीरा होके मगन। राणा ने विष दिया मानो विष दिया मानो अमृत दिया। थ्रो दो। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मीरा सागर में सरिता समाने लगी, मीरा सागर में सरिता समाने लगी, वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा होके मगन, वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन और चली मीरा नंगे पग कहां पिया के देश, जन्म जन्म की ठोर जहां है। ध्यान दीजिए, जन्म जन्म की युग युगांतरों की अगर विश्रांति कहीं है तो वो वृंदावन में है। ठहर जाना वृंदावन में, मन की विश्रांति वहीं। जब भी मन को शांति मिलेगी तो कृष्ण के चरणों में मिलेगी। चलो मन, चली मीरा
कहाँ? गंगा यमुना तीर चलो मन, गंगा यमुना तीर चलो मन, गंगा यमुना तीर चलो मन, गंगा यमुना तीर। गंगा यमुना निर्मल पानी, गंगा यमुना निर्मल पानी, शीतल होत सरी, शीतल हो तसरी, गंगा यमुना तीर चलो मन, गंगा यमुना तीर चलो मन, गंगा यमुना तीर चलो मन, गंगा यमुना से बजावत गावत काना, बंसी बजावत गावत काना, बंसी बजावत गावत काना, बंसी बजावत गावत काना, संग लिए बलबी, संग लिए बलबीर, गंगा यमुना तीर चलो मन, गंगा यमुना तीर चलो मन, गंगा यमुना तीर चलो मन, गंगा यमुना तीर। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कुंडल की झलही, कुंडल झल कतही, गंगा यमुना तीर चलो मन, गंगा यमुना तीर चलो ओ मन, गंगा यमुना तीर चलो मन, गंगा यमुना तीर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल परसीर, चरण कमल परसीर, गंगा यमुना तीर चलो मन, वो ढोल क्यों बज रहा है? मेरे यहाँ जा रही है वृंदावन, इसलिए चलो मन, वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर।
थोड़ी देर संकीर्तन कर लो, 5 मिनट। बोले वृंदावन बिहारी आनंद कंद भगवान मना चलवे वृंदावन चलवे मना एथे ओ नजारा नयो मिलना मना चलवे वृंदावन चलवे मना एथे ओ नजारा नयो मिलना ओ मना चलवे वृंदावन चलवे मना एथे ओ सतगुरु प्यारा नयो मिलना दो गुरु चरणा विच लगवे मना बिना सतगुरु प्यारा नयो मिलना ओ बिना सतगुरु प्यारा लगवे मना बिना सतगुरु प्यारा नहीं मिलना गुरु चरणा विच लगवे मना बिना सतगुरु प्यारा नहीं मना चलवे वृंदावन चलवे मना एथे ओ नजारा नहीं मिलके गालो मना चलवे वृंदावन चलवे मना एथे ओ नजारा नयो मिलना एथे ओ नजारा नयो मिलना एथे ओ नजारा नयो मिलना एथे प्रीतम प्यारा नयो मिलना एथे प्रीतम प्यारा तो गुरु चरणा विच लगवे मना बिना सतगुरु प्यारा नहीं मिलना तो गुरु चरणा विच लगवे मना बिना सतगुरु प्यारा गालो मना चलवे वृंदावन चलवे मना एथे ओ नजारा नयो मिलना मना चलवे वृंदावन चलवे मना एथे ओ नजारा नयो मिलना जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्याम 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 जय जय श्री
वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम। जब किशोरी जी का नाम उच्चारण करो ना तो हाथ उठा के करो, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय वृंदावन वृंदावन। ओ नहीं नहीं ओ नहीं आ ना करो, ऐदा करो, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय 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 वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, बोले श्री वृंदावन धाम की जय। अब जो वृंदावन धाम की लीला है मीरा की, इसे बड़े चित्त से आंतरिक आत्मा से आप अनुभव कीजिए, और कोई शोर नहीं करना किसी किस्म से, मन केवल यहां एकाग्र की, ये आपको बहुत कुछ दे जाएगी। जब मीरा गई है इस वक्त आयु करीब करीब 30 वर्ष के करीब है, जब चित्तौड़ भी छूट गया मेड़ता भी छूट दिया, 30 वर्ष के करीब आयु है और 25 वर्ष मीरा वृंदावन में रुकी है, 25 वर्ष का समय मीरा का वृंदावन में है। नंगे पग चली हैं, चमेली केसर चंपा बिनती करती रही, सरकार आप नंगे मत चलिए, बैलगाड़ी में चलिए, बैठ जाइए। बोले नहीं, प्रीतम के देश जाऊंगी तो नंगे पग जाऊंगी। और चलते चलते मीरा के पग में कितने कंकर पत्थर चुभे, फफोले हो गए, रक्त बहने लगा, लेकिन मीरा के नेत्रों में वो दर्द नहीं है, वो पीड़ा नहीं है, एक आनंद की लहर है, एक चमक है। क्यों? क्योंकि मन कहाँ पहुंचा, वृंदावन पहुंचा हुआ है। शरीर से बड़ा जो अधिक धर्म है वो मन का है, मन से अधिक जो बल है वो आत्मा का है। जब आप आत्मिक स्तर पर होते हैं तो शरीर का दुख नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। मीरा को शरीर की पीड़ा का कोई अनुभव नहीं है, वृंदावन लीला में आप सह दें पूरा। यहाँ पर शरीर की पीड़ा का कोई प्रभाव नहीं है, यहाँ पर मन इतना इतना आगे डूबा हुआ है, इतना एनर्जी लेवल हाई है, पता ही नहीं चल रही है। लेकिन चंपा चमेली केसर तो देख रही है। बोले भाई साहब, कोई अपराध हो गया तो क्षमा कर दीजिए, लेकिन आप नंगे पग मत चलिए, बड़ा पीड़ा होती है, बड़ा दर्द होता है। नहीं, प्रीतम के देश जाऊंगी तो यूं ही जाऊंगी, चलती रही मीरा नंगे पग अपनी मस्ती में अपने आनंद में। और जैसे ही समस्त क्षेत्र को पार करके वृंदावन की सीमा पर पहुंची और खबर लगी यही वृंदावन है, यमुना जी का प्लेन गिर, राज्य की शोभा, मीरा मूर्छित हो गई। वहां पर पहुंचने के बाद मीरा मूर्छित हो गई, और जब आवेश आया, जागृति आई और वृंदावन की छटा देखी और गई वृंदावन में, प्रवेश वृंदावन में हुआ, यमुना का पुलीन, तो कुछ ऐसा एहसास हुआ ये सब देखा हुआ है, पहली बार आई है मैं वृंदावन, लेकिन देखने पर लगा ये पुराना नहीं है, ये कुछ अपना सा है, कुछ भूली बिसरी याद आ रही है, कुछ कानों में शब्द गूंज रहे हैं। और कौन से शब्द? जयति तेधिकम जनमना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रही
कुछ कानों में वो शब्द गूंज रहे हैं, किधर से आवाज आ रही है, किस छोर से आवाज आ रही है, क्यों लगता है मुझे ये सब अपना अपना सा, क्यों यमुना का तट ये नहीं लग रहा कि पहली बार आई हूँ, क्यों इसको देखने के बाद अनुभूति होती है इससे कुछ रिश्ता है, कुछ पुराना रिश्ता है, कोई संबंध है, युगांतरों का संबंध है, अनंत काल का कोई संबंध है। कभी कभी होता है ना, किसी स्थान पर जाओ तो देखने पर लगता है जैसे पहले कभी आए, आप पहली बार गए हो लेकिन देखने से लगता है कुछ संबंध है। कोई व्यक्ति अचानक ऐसा विशेष मिल जाए कि हमारे जीवन में देखने से लगता है कि कुछ रिश्ता है, प्रथम मुलाकात नहीं लग रही, कुछ संबंध